वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चुटकी चुटकी सुनो भाई। हाँ? तुमने चुटकी को कहीं देखा? मैंने है? नहीं देखा। पता नहीं कहाँ चली गई, मेले में गई या नहीं पता नहीं। हाँ सुनो बेटे, मेरी चुटकी को देखा? मुझे क्या मालूम कहाँ है वो, अश्विनी के साथ तो नहीं होगी, छोटे बच्चों के साथ घूम रही होगी, जाओ ढूंढो उसे। पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ेगा। छोटी मालकिन को कब से ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही है, ये इज्जत का सवाल है, इंसल्ट है। छोटी मालकिन यही कहीं छुपी होंगी। ए वानर सेना, छुटकी को कहीं देखा है? हम भी छोटी मालकिन को ही ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढिए हमारे साथ चलिए। यहाँ खड़े रहके क्या बड़बड़ कर रहा है, चलो उसे ढूंढते हैं। और छुटकी पता नहीं कहाँ जाकर बैठी है। छुटकी 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 पता नहीं किधर है। ए शीला, तुमने छुटकी को कहीं देखा है? मैं बगीचे में फूल तोड़ने गई थी, मैं उनकी तरह नहीं पूरा दिन खेलती रहती हूँ। अरे तू क्यों उससे जलती है, उसकी नजर उतारनी पड़ेगी। आप भी ना। छुटकी छुटके दादी। यही मिलेगी। झूठ मत बोलो, आप लोग मुझे ढूंढ नहीं पाए, इसलिए आज का पूरा दिन आप लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी। वो लोग मानेंगे। हाँ तू चल चल। अच्छा सुन, गांव के लोग मेला देखने जा रहे हैं, तू भी चली जा। अश्विनी आएगा तब मैं जाऊंगी। अरे वो तो पहले चला गया। मेरे बिना कैसे चले गए अश्विनी? अरे आज वो भगवान से मन्नत मांगने के लिए भेष बदलने वाला है, इसलिए चला गया। किसके लिए मन्नत मांगी है? अश्विनी कभी अपने लिए मन्नत नहीं मांगता है, सब तेरे लिए मांगता है। तुम्हारी माँ ने तो सिर्फ तुम्हारे जन्म होने तक का ही बोझ उठाया, लेकिन अश्विनी ने जन्म से लेके आज तक अपने से ज्यादा संभाल रहा है। दादी आप भी आएंगी ना? नहीं रे, मैं वहाँ के क्या करूंगी, तू अभी बच्ची है, तू चली जा। चलो 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 जल्दी। ये लड़की तो अभी तक छोटे बच्चों के साथ ही रहती है, पता नहीं इसे दुनिया कब समझ में आएगी। नमस्ते नमस्ते। छोटी मालकिन देखा मेरा कमल। अश्विनी मुझे हराए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते, डंडा उठाओ। ए, तू भी भेष बदल कर आया है, मैं भी भेष बदल कर आया हूँ, इतिहास में मदुराई वीर का राक्षस से हारना नहीं लिखा है, चल जा निकल यहाँ से। खेल हो तो भी तुम्हें मुझसे जीतना होगा, हमारा गांव ही जीतेगा। अगर तुम असली मर्द हो तो डंडा उठाओ और मुकाबला करो। अश्विनी हमारे गांव की इज्जत बचाओ, इसे मारकर भगाओ। निकल। अश्विनी नहीं, अश्विनी डरो मत छोटी मालकिन, ये क्या करेगा। अश्विनी चलो चलो यहाँ से। मेरे से मुकाबला करके जीतेगा, डरपोक कहीं का, भाग गया साला,
देखो ना कैसा बोल रहा है। जाने दो ना अश्विनी, बोलता है तो बोलने दो। देखो तुम्हारी वजह से मुझे चुप बैठना पड़ा, नहीं तो उसको सबक सिखा देता। चलो यहाँ से। रुको ना अश्विनी, उसके साथ लड़ने से तुम्हें चोट तो नहीं लगेगी? अरे कोई चोट बोट नहीं लगेगी। सच कह रहे हो? हाँ सच कह रहा हूँ। तो फिर जाओ लड़के, आओ। सच बोल रही हो? हाँ। अब देखो मैं क्या करके आता हूँ, देखो। शांति शांति रखो, शांति रखो, शांति। तू मुझे नामर्द कह रहा था? हाँ रे। ये लो अश्विनी। अश्विनी जब तक तुम यहाँ हो ना, हमारे गांव के बारे में कोई गलत शब्द नहीं बोल सकता। देखा छोटी मालकिन, उसको मजा चखा दिया। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे मुझे क्या हो सकता है। अच्छा ये बताओ, तुमने ऐसा भेष क्यों बदला है? ये सब आपके लिए छोटी मालकिन, तुम्हारी उम्र की सब लड़कियाँ शादी करके अपने अपने घर चली गई, और आप अब आपको भी जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। तुम भी ना, इसलिए तो मैंने भेष बदला है। अश्विनी तुम्हारा दिल अच्छा है, सच्चा है, तो सब सही होगा ना। पंडित जी इस साल इनकी शादी होगी या नहीं ये मंदिर में फल बन कर देखें। ठीक है, हम तो खुशी से देखेंगे, चलिए। चलो सब लोग, छोटी मालकिन आप भी आइए। अश्विनी इसमें एक सफेद फूल है और एक लाल फूल है, अगर तुम सफेद फूल उठाते हो तो इस साल छोटी मालकिन की शादी तय है। माता जी को याद करो और फूल उठाओ। पंडित जी छोटी बालकी की शादी होगी, छोटी बालकी की शादी जल्दी होने वाली है, बच्चे आ जाए, छोटी बालकी की शादी होने वाली है, चलो रे खुशी मनाओ, अरे छोटी बालकी की शादी होने वाली है। आज अश्विनी इतना क्यों कूद रहा है? क्या बहन जी, अश्विनी को आप नहीं जानती क्या? उसकी सारी दुनिया ही छोटी। कौन है ये? पता नहीं, कोई विदेशी लगता है। माय डियर पीपल, हेय गो। टेक इट। हाँ टेक इट। रुको सब लोग, रुक जाओ, नोट उठाना बंद करो, ये नकली नोट है, ये हम लोगों को उल्लू बना रहा है, उल्लू। हेय ले लो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। अरे क्या करेंगे, इस जाली नोट का अचार डालेंगे क्या? यस, इस गांव में बहुत से लोग भेष बदल कर घूम रहे हैं। मैं पैसा वाला नहीं बन पाया, इसलिए मैंने भी सोचा कि थोड़ी सी एक्टिंग कर लूं। इस ड्रेस का 50 रुपया, इस कार का घंटे का 250 रुपया, और इस कुत्ते का 50 रुपया, कुल मिलाकर 350 खर्च हुए और तुम लोग बेवकूफ बन गए। ठीक है तुमने तो भेष बदला, लेकिन जाली नोट देकर बुद्धू के मना रहे हो। मैंने तो एक्टिंग की थी, तुम लोग क्यों पैसों के पीछे पागल कुत्ते की तरह दौड़ने लगे? दादी आ गया, दादी बहुत ही खुशी की बात है, आपको पता नहीं मुझे। दादी बहुत खुशी की बात है। अरे आप बात तो सुनिए ना, पहले आरती तो उतारने दे, सारे गांव की नजर तुम पर है। बाप रे बिल्कुल महाराजा लग रहा है। दादी मुझे भी। हाँ हाँ तुम्हें भी लगाती हूँ, ले जा तुलसी के पास रख के। दादी अब बात कर सकता हूँ? बोलो भाई। अरे संभल के, चलो हम लोग खेलते हैं। दादी अंदर आओ, यहाँ आओ। अश्विनी संभल के। साहब जी आप भी आइए। अरे खड़े हो रहे हो? अरे समझा क्या बात है? दादी मैंने भगवान का भेष क्यों पहना है पता है? अरे जल्दी से बात बता। बताता हूँ सुनो, छोटी मालकिन की शादी होने वाली है। तू सच कह रहा है? अरे दादी माँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैंने जो फूल चुना था वो सफेद निकला। दादी माँ छोटी मालकिन की शादी होगी, शहनाई बजेगी, पिक 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 पिक। याद है तुम्हें, अश्विनी की बात तुम्हें याद आ गई ना? तुम्हारा काम अश्विनी कर रहा है, बाप की जिम्मेदारी समझ कर लड़की के लिए अच्छा लड़का ढूंढ ले।
शादी कब करनी है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये तुम्हें कैसे मालूम? अरे दादी माँ रहने दो ना, आप तो साहब जी को जानती हो, मैं हूँ ना छोटी मालकिन को लड़का ढूंढने के लिए। मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? शादी क्यों करते हैं? ताकि बच्चा पैदा कर सके। शादी नहीं हुई तो बच्चा पैदा नहीं होगा क्या? पैदा होगा छोटी मालकिन। कैसे बताओ? वो कैसे है ना? चलो चलो निकले ऐसे, हटो परेशान कर रहे हो। कभी भी मुझे सच बोलने ही नहीं देते हैं। छोटी मालकिन जब आपकी शादी हो जाएगी ना तो आपकी सारी इच्छा पूरी होगी। कैसे? क्या इच्छा है आपकी? वो हमारे पड़ोस में दादी रहती है ना, उनकी तरह मुझे भी 16 बच्चे चाहिए। आपकी तो बहुत जल्दी शादी होने वाली है, 16 के 32 बच्चे पैदा होंगे। मंगलसूत्र पहनने से बच्चा पैदा हो जाएगा? अरे जरूर। शादी किए बिना बच्चा पैदा होगा एसएस ने कहा। ए लफंगे, अश्विनी मुझसे मुकाबला मत करो। अबे डैड फुटिया बैठ जा। चुप रह अश्विनी। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। छोटी मालकिन अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी ना सब बराबर पता चल जाएगा। अश्विनी तू छोटी मालकिन से शादी करेगा? मारू क्या एक? अश्विनी छोटी मालकिन के लिए कैसा लड़का ढूंढोगे? अब सही सवाल पूछा। छोटी मालकिन मैं आपके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत, बहुत पढ़ा लिखा और अच्छे गुण वाला ऐसा लड़का ढूंढकर आपकी शादी करूंगा, आप देखते रहना। तुम जो बातें कर रहे हो वो बिल्कुल मुझ पर सूट करती है। देखो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा लड़का छोटी मालकिन से क्यों भला शादी करेगा? अरे छोटी मालकिन आप शांत हो जाइए, ये दिमाग को घुटने में रखकर बात करता है। क्या बोल रहे थे तू? छोटी मालकिन की खूबसूरती के बारे में बताऊंगा ना तो सारे लड़के लाइन से खड़े हो जाएंगे। छोटी मालकिन की खूबसूरती के बारे में क्या बताएगा? क्या बताऊंगा? सुनना चाहता है तो सुन ले मेरी जबानी। तेरे लिए गाना गाऊं, तेरे लिए गुनगुनाऊं, तेरे लिए सब भुलाऊं, तेरे लिए मुस्कुराऊं, हर पल जीता हूं मैं, रास्ता बन के चलता हूं, चंदा जैसा मुखड़ा तेरा बिल्कुल है जीवन के जैसा, तू ही है परी के जैसी चंदा सा चेहरा, रूप है सुनहरा। अरे क्या रे अश्वनी, बीच में क्यों बंद हो गया? आज मैं रहूंगा जमीन पे, जाऊं ना कहीं पे, छू लूंगा आसमां को। चाहे वो गगन हो चाहे या वो जमीन हो, सब बने तेरे लिए। आसमां के तारे बिछा दूं तेरे कदमों में, खुश रहे सदा तू यहाँ, वो सारी दुनिया में तू ही बसी है, तू ही मौसम की जिंदगी, तू ही गुड़िया राजकुमारी, सिद्धि सादी भोली भाली, मन की तू आंखें खोल, चंदा सा चेहरा, रूप है सुनहरा। चंदा सा चेहरा, रूप है सुनहरा। अश्विनी छोटी मालकिन तेरा इंतजार कर रही है। देखो तो आई है सवारी रानी की हमारी, कर स्वागत मिलके, होए होए, परंपरा हम ये निभाए, खुशियां मनाए, प्रजा है हम इनकी, आई है कोई हंसती, दिल में
बसती पढ़ती है दिल की धड़कने करूँ मैं जी भर सेवा खुश रहे तू हमेशा यही मेरी आरजू है कोई दुख ना घेरे खुशियाँ तेरी जीवन भर हमेशा तेरे कदमों को झूमे चंदा सा चेहरा रूप है सुनहरा चंदा सा चेहरा रूप है सुनहरा तेरे लिए गाना गाऊं तेरे लिए गुनगुनाऊं तेरे लिए सब भुलाऊं तेरे लिए मुस्कुराऊं हर पल जीता हूँ मैं रास्ता बन के चलता हूँ चंदा जैसा मुखड़ा तेरा बिल्कुल है जीवन के जैसा तू ही है चंदा सा चेहरा रूप है सुनहरा चंदा सा चेहरा रूप है सुनहरा हमारे इस नदी के पानी से दो बार खेती कर सकते हैं हम और तुम कह रहे हो कि हमेशा पानी रहा तो तीन बार खेती कर सकते हैं भारती अय्यर ने भी लिखा था सारे शहरों के नदियों का पानी एक करके अपने गांव में लाने के लिए लेकिन लाएगा कौन भारती अय्यर सिर्फ कवि हैं वो लिख सकते हैं इसलिए फड़ा और सली लेकर हम पानी ला सकते हैं क्या बोलिए कुत्ता मेरे पीछे लगा है इस तरह भागोगे तो कुत्ता काटेगा भी ऐसा लगता है तुम्हें कहीं देखा है यार मुझे नहीं जानते हो आप खन्ना नाम है मेरा खन्ना ए खन्ना ये क्या हो गया तुम तो एकदम भिखारी लग रहे हो गांव में बारिश नहीं हुई है सब भूखे मर रहे हैं इसलिए आपसे मिलने आया हूँ भाई साहब साहब से बात करके मुझे कुछ काम दिला दो ना साहब जी ये हमारे गांव का आदमी है आपके पास कोई काम हो तो दे दीजिए देखने से नहीं लगता है कि ये काम कर सकता तो फिर क्या चोर लग रहा है ये वो बात नहीं है उसे 50-100 रुपए दे के भगा दो रुक रुक ना बात करता हूँ साहब जी ये कहाँ जाएगा मेरे भरोसे इस गाँव आया है इसकी हालत तो खराब लग रही है वैसे भी हमें एक आदमी की जरूरत है इसको रख लेते हैं अश्विनी ने बोला इसलिए काम पे रख रहा हूँ तुम्हें कन्हैया इसकी शक्ल इतनी अच्छी नहीं लग रही है बच के रहना इससे चलो चलते हैं क्यों तुम्हारी शक्ल देख के सही नहीं है कहते हैं लोग तुम अपनी शक्ल ऐसी क्यों रखते हो खन्ना मेरी बात सुनो ये जमीन बहुत बड़ी है इसको छोटी मत करो आप चिंता मत करो आपका नाम रोशन कर दूंगा मैं यही चाहता हूँ चलो राजन हाय डैड कैसे हो बेटे मैं ठीक हूँ डैड व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस ये घर कब बनाया आपने डैड इसे बनवा कर सिर्फ 10 दिन हुआ तुम्हारे लिए ताजमहल की तरह बनवाना चाहता था फिलहाल मैंने ये बनवाया कम ऑन राजा घर को अंदर से देखो आओ वंडरफुल हाउस आप मुझसे कितना प्यार करते हैं क्या राजन इस तरह की बातें करते हो सुनो सब बाप अपने बेटों को बहुत प्यार करते हैं लेकिन बेटा तुम तो मेरी जान हो बेटे डैडी राजन आपने हमारा गांव छोड़ा उसे 20 साल हो गए आपके साथ ही सब लखपति और करोड़पति बन गए लेकिन आप अभी तक नौकरी कर रहे हो पगार देते हैं ना कितना देते हैं खाने के साथ 175 रुपया ये क्या पगार है जिंदगी भर 175 रुपया कमाओगे तो कुछ नहीं होने वाला अब तुम्हारी शादी हो जाएगी अगर बीवी को पता चला कि तुम 175 रुपए पे काम कर रहे हो तो क्या करेगी वो 175 बार भाग जाएगी तो मुझे क्या करना चाहिए बोलो 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ तक कमाना चाहिए ये कैसे हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है मैं एक आइडिया दे दूं आइडिया दो तुम और मैं मिलकर एक पार्टी शुरू कर देते हैं ये आइडिया है तू बहुत बड़े शिप का मालिक है और मैं फैक्ट्री का ओनर हूँ हमारे पास लाखों रुपए हैं जो पार्टी शुरू कर देंगे हम लोग मैं रोज काम करने वाला हूँ और तू भिखारी है फिर हम लोग कैसे पार्टी शुरू करेंगे अरे उसके लिए पैसे नहीं लगते हैं जिन्होंने पार्टियां शुरू की है उन्होंने क्या पैसे लगाए हैं जरा कान इधर दो हाँ क्या वो हाँ बिना टिकट आए थे हाँ वो बैंक है ना हाँ उसमें 500 करोड़ रखे हैं अरे बाप रे पास आओ क्या वो हाँ भाई लॉरी में आया था हाँ और कितने हैं पता नहीं यार खाली सोचो उनके पास कितनी जायदाद होगी अरे ये सब लोग हमारी तरह नीचे से ही आया है यार सही तो है लेकिन ऐसा है पार्टी में 20,000 मेंबर को ज्वाइन करें और 5 रुपए मेंबरशिप रखें तो 1 लाख मिल जाएंगे तुम्हें 1 लाख चाहिए या 175 रुपए चाहिए किस बिजनेस में इतना प्रॉफिट है हाँ हे हे चलो इधर आ आपने मुझे बुलाया मालिक एक दिन में कितना कमा लेती हो तुम 200 रुपए 200 रुपए दे दूंगा आजा मेरे पास छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ दो छोड़ दो मुझे छोड़ दो मुझे बचाओ
हमारे बड़े सेठ का लड़का इस लड़की की इज्जत लूट रहा था, तुमने देखा था क्या? हाँ देखा। जल्दी से फैसला करो। आपके बेटे राजन ने गलती की है, क्योंकि आपके बेटे की ये पहली गलती है, काफी पढ़ा लिखा भी है, इसलिए 1000 रुपए का दंड लगाता हूँ और वो पैसे उस लड़की को दे देना चाहिए, यही पंचायत का फैसला है। सही फैसला है मुखिया जी, कमाल किया आपने। हाँ? अरे अश्विनी, भरी पंचायत में मेरी बेटी का हाथ पकड़ लिया, शर्म नहीं आती तुझे क्या? माफ कीजिए मुखिया जी, अब इस लड़की की मैं इज्जत लूटने वाला हूँ। अश्विनी, अभी आपकी पंचायत के मुताबिक वो 1000 रुपया मैं आपकी लड़की के हाथ में दूं या फिर पंचायत को दे दूं? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, यही तो इस गांव की लड़की की कीमत है। हाथ में 1000 रुपया हो तो किसी भी लड़की की इज्जत लूट सकता है। अश्विनी सही कह रहा है। मुखिया जी, आप अपना फैसला बदल कर सही फैसला दीजिए। इससे आगे का फैसला मैं नहीं कर सकता। अश्विनी, तुम ही फैसला कर दो। पैसा देने से इस लड़की की इज्जत वापस नहीं आएगी। ये इस लड़की को मंगलसूत्र पहनाकर अपनी पत्नी बना। यही फैसला सही है, शादी अभी के अभी होनी चाहिए। ठीक है, मेरा लड़का इसी से शादी करेगा। नहीं भैया, मैं इस जानवर के साथ शादी करके जिंदगी भर नरक में जीना नहीं चाहती। अगर आप नहीं होते तो ये गांव वाले मुझे गलत समझते। मैं बेकसूर हूँ, ये आपने साबित कर दिया, यही मेरे लिए बहुत है। अश्विनी, मेरी लड़की सही कह रही है, हम इस गांव में नहीं रहना चाहते। आपका बहुत धन्यवाद, हम चलते हैं। चलो चलते हैं। ये जाओ रे, बाप बेटे दोनों घूरते रहते हो हमेशा। मुझे माफ करना, मैंने किसी गलत नजरिए से तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा, वो पंचायत के सामने। अश्विनी, मैं जानती हूँ मेरी नजरों में तुम गलत नहीं हो, मैं चलती हूँ। अश्विनी, वाह वाह वाह, तुम्हारे दिमाग में कितना स्टॉक है आइडिया का। मैं आपको बहुत बड़ा आदमी समझता था, लेकिन अब पता चला कि गांव वाले आपको कितनी इज्जत देते हैं। लेकिन डैड, उस लड़की को और जिसने मुझे बेइज्जत किया, उस अश्विनी को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। राजा, मुझे उन दोनों को मारने की इच्छा नहीं है क्या? अगर हम अभी कर दें तो इल्जाम हमारे ऊपर लगेगा। कोई भी काम वक्त देख कर करो। आपकी उम्र हो गई, आप डरने लगे, इसलिए आपने उस लड़की के साथ शादी करने की बात की मेरी। राजा, तुम गलत समझ रहे हो। अगर मैंने मना कर दिया होता तो सारे कुत्ते भौंकने लगते। तुम उस लड़की से शादी कर लो, बस जी भर के मजा ले लो। उसके बाद उसे खत्म कर देंगे, खुदकुशी कर लिया ये बोल देंगे। राजा, मैं जो भी करूंगा तुम्हारे फायदे के लिए करूंगा। पापा, क्या यही अश्विनी का गांव है? हाँ, यही है। यही सवाल तुमने 1000 बार पूछ लिया। मुझे चिंता क्यों नहीं होगी? वो कैसे हैं, किस हाल में हैं, उनके लिए मैं इंतजार करती हूँ। मुझे वो याद है या नहीं? क्यों पापा, अश्विनी की शादी हो गई है क्या? पता नहीं। पता नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे अश्विनी से शादी करने में भला किसकी हिम्मत हो सकती है? उसकी शादी हो गई होगी तो तू क्या करेगी? दूसरी बीवी बनकर रहूंगी। इस मामले में मैं क्या बोलूं? साहब जी, नमस्ते। आओ कन्हैया, क्या बात है, 2 दिन से दिखाई नहीं दिए। मैं मेरे गाँव गया था, वहाँ कुछ जमीन मेरे नाम पर थी, उसे बेच कर आया हूँ। ये क्या किया, सोने जैसी जमीन को कोई बेचता है क्या? सोना हीरा हो ऐसी किस्मत हम जैसे गरीबों के पास नहीं होती। नवेली में कोयला निकलता है, बाजू में मेरा गांव है। जब से दुनिया शुरू हुई है आज तक सिर्फ 2 बार बारिश हुई है, वहाँ कहाँ फसल होगी साहब? बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ, एक कुआं खोद देते वहाँ पर। ये सब कुछ हमने करके देख लिया है साहब, और 2 कदम खड्डा खोदा ना तो न्यूयॉर्क आ जाएगा। न्यूयॉर्क? हाँ, इंडिया में खोदेंगे तो नीचे अमेरिका है ना। हाँ, हाँ। तो न्यूयॉर्क तो आएगा ही ना। हाँ, जमीन बेचकर जो पैसे आए उसका क्या किया? साहब जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। किस लिए भाई? मैं एक नई पार्टी शुरू करने वाला हूँ। पार्टी? समझ गया मैं, मैंने पहले ही बोला था इस पे भरोसा मत करना, अब देखा। साहब जी, आप मुझे कुछ भी कहो, लेकिन मेरे भाई को कुछ मत कहना, क्योंकि वही मुझे नई जिंदगी दिखाने वाला है। देव लोक से आया हुआ देव दूत है ये। मैं चलता हूँ, चलो पार्टी का काम शुरू करते हैं, दुनिया का काम ही जलना है। सुनो भाई, हैं? हम पार्टी की शुरुआत करने वाले हैं, हैं? हमारी पार्टी में किसको मेंबर बनाएंगे? अरे भाई, छोटी मोटी पार्टियां हैं। हाँ, हम उनको बुलाएंगे तो वो नहीं आएंगे। हाँ, इसलिए जो अब तक शामिल नहीं हुए उनको लाना चाहिए। ए, ऐसा कोई बचा होगा क्या जो किसी पार्टी में शामिल ना हो? देश में बहुत सारी पार्टियां हैं। अरे एक तो वैसे रहेंगे ना। हाँ, अभी तक जो किसी पार्टी में शामिल ना हो उसे हम अपने पार्टी का मेंबर बनाएंगे। ए, मेरे पास एक आइडिया है, उस पार्टी का हम नाम रखेंगे। क्या रखेंगे? PNP। मैं नहीं समझा यार। पार्टी में नहीं शामिल होने वालों की पार्टी, यानी PNP। वाह वाह, क्या बात है, PNP जिंदाबाद। जिंदाबाद तो ठीक है, पर हम इसको जनता तक कैसे ले जाएंगे? मीटिंग करेंगे। तैयारी करो, तैयारी करो। हाँ।
तू तो सब कुछ करेगा, जा जा, तुम्हारे मामा जी की एक बेटी आई है, बगीचे वाले घर में रहने लगी, जल्दी जा नहीं तो लड़की तुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएगी, जा जा। अश्वनी, अभी पता चला तुम्हारे अलावा मुझे इस तरह नहाते हुए कौन देख सकता है। कौन है तुम? अरे सुनो तो सही, मैं मनोहर की बेटी हूँ, तुम भूल गया क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, तो यही है वो लड़की। क्या हुआ अश्वनी, शर्मा रहे हो क्या? बदन ढक लो। क्या करूं अश्वनी, मेरा पेटीकोट पानी में बह गया, अब मैं कैसे भाग जाऊं? हट, हट, शर्ट देता हूं, पीछे जाके बदल लो। अपने कपड़े पहन और मेरी शर्ट मुझे दे दे। जरा मेरी और देखो ना। चल जा जा जा। देखो ना सही शर्ट में कैसे। अरे जा तू जा। अरे अरे। पागल लड़की है। अश्विनी, अश्वनी, तुम्हारी तरह ये शर्ट भी बहुत अच्छा है। शर्ट दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी मुझे घर तक छोड़ दो। कहाँ है तुम्हारा घर? बड़े साहब ने कहा बगीचे वाले के घर में। ठीक है हाँ। जाओ अपना काम करो। करती हूँ अश्विनी। तुमने नदी में मुझे नहाते हुए देखा, सबको बता दूंगी, उसके बाद गांव वाले फैसला सुनाएंगे, ठीक है? रुक रुक रुक, चल बैठ। क्या मुसीबत है? मेरा कुछ नहीं अश्विनी। अश्विनी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। माँ ने मरते वक्त कहा था कि तुम मेरे हो और मैं तुमसे ही शादी करूँ। कहती थी कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो और मेरा पूरा ख्याल रखोगे। अच्छा ये बताओ, तुम मेरा ख्याल रखोगे ना? तुम्हारे बारे में पापा ने कभी नहीं बताया, अगर बताया होता तो मिलने चली आती। मेरे पापा ने तुम्हारे साथ गलत किया था ना, इसलिए अपनी शक्ल दिखाने से शर्मा रहे, इसी वास्ते यहाँ नहीं आए। लेकिन मैं ठहरी जिद्दी, उनसे झगड़ा करके मैं तुमसे मिलने चली आई। मैं बाकी सारी लड़कियों की तरह नहीं हूँ, मैं आपका घर भी संभाल लूंगी और खाना बना के भी खिलाऊंगी। एक बात कहूँ अश्वनी, मैं बहुत बकबक करती हूँ ना, तुम्हें बोर कर रही हूँ ना, तुम अगर नहीं मिले तो मैं मर भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरी जान तुम्हारे पास है। ए, 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 हाथ डा, हाथ डा, सीधे बैठ। चलने चौधर। पापा अश्वनी आए, आप बाहर आइए ना। ठीक है आ रहा हूँ। अश्विनी मैं हूँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। आपकी कोई गलती नहीं है मामा, अगर आप वैसा नहीं करते तो मुझे इतना अच्छा परिवार नहीं मिला। दादाजी मुझ पर भरोसा करते हैं, माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाली दादी मुझे मिली है, मेरी छोटी मालकिन, ये सब मुझे नहीं मिलते। मैं पुरानी बातों को भूल चुका हूँ और अब आप भी भूल जाइए, यही अच्छा है। अश्विनी तुम बड़े दिल वाले हो, हम अलग अलग रहे तो भी हमारा रिश्ता टूटा नहीं है। मुझे कहीं काम दिलवाओगे तो मेरी जिंदगी कट जाएगी, तुमने मेरी लड़की से शादी किया तो मेरा फर्ज भी पूरा हो जाएगा। आप यहाँ आराम से रह सकते हो और मैं आपको काम भी दिलाऊंगा, लेकिन आपकी लड़की से शादी करने की बात मत करो, उससे मुझे डर लगता है, उसको देखते ही मुझे घबराहट होती है। अरे स्टेज पे जा रहा हूँ, सब तैयारी है ना? सब तैयारी है। ए चप्पल जोर से मारने का यहाँ क्यों? अरे मेरे ऊपर चप्पल मारने के लिए कह रहा है? अरे तभी तो आपके ऊपर सिंपथी होगी ना, तभी वोट मिलेंगे, पैसे आएंगे। वोट मिलेगा और पैसा भी मिलेगा, तो चप्पल तो क्या, किसी से भी मारने दो। चलो स्टेज पे चलते हैं। चलो। उपस्थित इज्जतदार सज्जनों, मेरे प्यारे भाई, इस पार्टी के सेक्रेटरी खन्ना ने मेरे जैसे एक आम नौकरी करने वाले आदमी को सच बताया। हम जमीन को देखते हैं, आसमान को देखते हैं, सूरज को भी देखते हैं, चंदा मामा को भी देखते हैं, नक्षत्रों को भी देखते हैं, लेकिन आपकी पार्टी हमारे लिए क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, सिर्फ चंदा वसूल करेगी। आपको भूख हड़ताल के लिए नहीं कहेगी, स्ट्राइक करने के लिए भी नहीं कहेगी, पेड़ काट कर रोड पर डालने के लिए भी नहीं कहेगी, लॉरी या बस में आपको बिठाकर इंडिया के बॉर्डर के आगे छोड़कर वहां से चलकर आने के लिए भी नहीं कहेगी। सिर्फ चंदा जमा करके आराम से घर में सो सकते हो,
और हम लोग आराम से पार्टी ऑफिस में आराम से सो सकते हैं। यही है हमारा पीएनपी पार्टी का सबसे बड़ा नियम। हमारे भाई को चप्पल से मारते हो, क्या ये न्याय है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये चप्पल हमारे लिए, हमारे देश की राजनीति और जनता के लिए नया नहीं है। ये सब तो हमारे साथ होता रहता है, लेकिन मैं इस चप्पल को फेंकने वाले दोस्त से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम में हिम्मत है, दिमाग है, तो ताकत है, तो जोश है, तो एक चप्पल तो तुमने फेंक दी, चलो देखता हूँ दूसरी चप्पल भी फेंको, फिर मैं जवाब देता हूँ। अभी तक आपने हमारी पीएनपी पार्टी के नियम के बारे में तो सुन लिया, कल मेंबरशिप के लिए पार्टी ऑफिस जरूर आइए, और हाँ, चंदा लाना मत भूलना। अब ठीक कहा ना? आओ अश्विनी, आओ छोटी मालकिन। ये लो, इसे पकड़ो। छोटी मालकिन, कुछ मन्नत मांगकर इसे नदी में बहा दो। 16 बच्चे पैदा करने के लिए? अरे बाप रे, छोटी मालकिन पहले शादी तो हो जाने दीजिए। तुमने तो कहा था शादी नहीं होगी तो बच्चा भी नहीं होगा, तो फिर बच्चा पैदा होने के लिए दिया बहाऊंगी, तभी तो शादी होगी ना। हाँ, ये बात भी सही है। मैं जाकर पूजा करता हूँ, तुम जाकर ये दिया बहा दो। ठीक है। क्या साहब, आज अचानक मंदिर में? अरे उधर देख छोटी। छोटी आई तो क्या? पंचायत में मेरा विरोध करके मुझे बेइज्जत किया इसने। अब मैं इसकी इज्जत लूटूंगा। और उसके बाद क्या, उसी पंचायत में अश्विनी बोलेगा 1000 रुपया फाइन भरो और इसे मंगलसूत्र पहनाओ। पहना ही देता हूँ मंगलसूत्र, फिर ये मेरे साथ नरक की जिंदगी जिएगी और उसे देखकर अश्विनी तड़पेगा। साहब जी, आपको एक छोटी बात बताऊं, आपने छोटी मालकिन को छुआ तो अश्विनी आपकी जान ले लेगा। तू क्यों मुझे अश्विनी अश्विनी कहकर डरा रहा है? अब क्या करता हूँ देख। दादी चिल्लाओ मत। हाँ हाँ, जेल चला जाऊंगा। तू खुशी से जेल में जाएगा रे, लेकिन उसके बाद ये दादी कैसे जिंदा रहेगी, कभी सोचा है? दादी, अच्छाई बुराई समझा कर तुम्हें अच्छा आदमी बनाना चाहा, लेकिन तुम्हारे गुस्से को मैं काबू नहीं कर पाई। बेटा अश्विनी बेटा, इस गुस्से को थूक दो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? उसने छोटे मालकिन का हाथ पकड़ लिया, ये गलत नहीं है? गलती उनकी नहीं है अश्विनी, जवान लड़की को हमने अभी तक अपने घर पे बिठा रखा है, यही गलती हमारी है। अगर इसके गले में मंगलसूत्र होता तो किसकी हिम्मत थी इसे छेड़ने की? अभी तक इसका बाप लड़का ढूंढेगा ये सोचकर मैं चुप थी, लेकिन ये लड़का ढूंढ नहीं पाया, इसलिए मैं अपनी पोती के लिए खुद ही लड़का ढूंढूंगी। 1 महीने के अंदर अपनी पोती की शादी करके दिखाऊंगी। कन्हैयालाल जी जिंदाबाद। छे, ये लेकर जाओ, आज के बाद कोई अच्छी चीज दो, ये गमछा देकर बेवकूफ बनाना बंद करो। हमारी पार्टी में अगर भर्ती होना है तो चांदी के बर्तन, हंडा और हो सके तो वॉच, सोने की अंगूठी, 2 एकड़ जमीन दान करो, ये सब पार्टी के लिए जरूरी है। अब तुम बोलो। सुनो, आप सब लोग वैसा ही दान करो। ए, अच्छी तरह समझाओ। जमीन, लोटा, बर्तन, सोना सब दे दो। इसके पहले किस पार्टी में थे?
ऑल इंडिया सन्मार्ग सज जनता की पार्टी, इसका मतलब अ क प उ क ख ग। हिंदी के सारे अक्षर मिलाकर एक पार्टी बना दिया ऐसा लगता है। ऑल इंडिया गुड कंडक्ट एंड रियल डेमोक्रेटिक पार्टी, अखिल भारत का सच चरित्र और सच्चा शगुन सभा। ए, इस सेवक को सारा इंडिया मिलकर कंफ्यूज कर दिया लगता है। इसको तेल से जलाकर फिनाइल पिलाकर इसे पार्टी में शामिल करो। चलो अंदर जाओ। धन्यवाद। ओ नमस्ते। हाँ सुनो, मेरे बारे में इस लड़की को बताओ। साहब जी नेता है। नमस्ते। हाँ। और ये इनके सेक्रेटरी। नमस्ते। तुम एम्बेसडर कार से आई हो, फिर नमस्ते क्यों कर रही हो? अरे भाई दिल्ली में ऐसा ही करते हैं। छे, ये भी नहीं जानता और नेता बन गया। मैं दिल्ली में पढ़ी लिखी हूँ लेकिन मेरे पापा तमिलनाडु के हैं। तो कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ? मैं आपकी पार्टी में शामिल होकर पूरी जिंदगी आपके साथ रहना चाहती हूँ। क्यों दिल्ली नहीं जाओगी? नहीं, मैंने खुद को आत्मा को पार्टी के लिए समर्पित किया है। रे, हमारी पार्टी में शामिल होकर तन मन और आत्मा ये तीनों चीज देने वाली आप पहली लड़की हो। ए, इस लड़की को ट्रेजरर का पद दे दो। मुझे लगा आपने दे दिया। हाँ परम शिवम, तुम्हारी ट्रेजरर की पोस्ट और हिसाब सब मैडम को समझा दो, ठीक है? साहब जी मुझे अचानक क्यों बदल रहे हैं? पार्टी में अचानक कुछ भी बदल सकता है। अभी मैं क्या करूँ? जाओ जाकर पीछे खड़े रहो। मुझे पार्टी में इतनी बड़ी पोस्ट देंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। जो आप सोची नहीं होंगी वैसी बहुत सारी बातें होंगी। अभी अभी आप पार्टी में शामिल हो गई है ना, चलिए। भाई सेवक को मैं क्या कहूँ? अरे कुछ पूछता है तो अपने मन से बोल दो यार। सेवको हमारे पार्टी ऑफिस को 30 दिन के लिए छुट्टी है। क्यों? अरे नेताजी कन्याकुमारी से कश्मीर तक कार में जा रहे हैं। कार में क्यों जा रहे हैं? कार में नहीं जाएंगे तो क्या चल के जाएंगे? ये लो ये हफ्ते की कमाई, किसी अच्छी वैद्य को दिखा कर, दवाई ठीक से खा लेना, तबीयत सही होने पर काम पे आ जाना। अश्विनी तुमने हम पर बहुत रहम किया है, जीते रहो। अब चलिए, ये दूसरा कौन है? अश्विनी तूने अपना सारा पैसा दान कर दिया, कल को तुझे तकलीफ होगी तो क्या करेगा? भगवान मुझे दे रहा है इसलिए मैं दूसरों को दे रहा हूँ। अगर हम किसी की तकलीफ में मदद कर रहे हैं तो अपनी तकलीफ अपने आप दूर हो जाती है। ये लो आपका पगार। और कौन कौन बाकी है जरा देख तो लिस्ट में। अश्विनी आदमी बड़ा हो जाए तो कोई फायदा नहीं, ऊपर वाले ने भी देना चाहिए। क्या कह रही? दिमाग की बात कह रही हूँ। इसको देखकर कह रही हूँ? तुम्हें देखकर कह रही हूँ। मुझे? एक अनजान लड़की को किसी अनजान लड़के ने छू लिया तो तुम उनके बीच में झगड़ा करने क्यों गए? वो अनजान लड़की तुम्हारी लगती क्या है? आइंदा छोटी मालकिन के बारे में कुछ मत बोलना वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। चल हट। चलो अश्विनी सुनो, अश्विनी एक बात साफ साफ कहते हुए जाओ, तुम उसे प्यार करते हो या नहीं? नहीं। तुम उसे प्यार नहीं करते हो? नहीं। तो फिर जाते जाते ये कह कर जाओ, तुम उसे शादी करोगे या नहीं? नहीं करूंगा। अश्विनी आखिरी बार पूछ रही हूँ, मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाओगे? तुम मुझसे आखिरी बार पूछ लो, पहली बार पूछ लो या कभी भी पूछ लेना, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, बस। अश्विनी साहब जी आपके बेटे को हफ्ता भर हॉस्पिटल में रहना है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। आप अपने बेटे को देखने नहीं जाओगे? मुझे मेरे राजा को हॉस्पिटल में देखने की हिम्मत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। राजा साहब को धूल नहीं लगना चाहिए इसलिए सारे घर में एसी लगवाए थे, लेकिन एक नौकर ने राजा साहब को मारा है, उसी अश्विनी को अभी तक आपने जिंदा छोड़ रखा है। मैंने उसको खुद खत्म करने की सोचा था, लेकिन कल मेरा लड़का पूछा क्यों पापा उसको जिंदा रखा है, वो तो मेरे हाथों से मरना चाहिए था। पूछेगा, वो जरूर पूछेगा, क्योंकि वो मेरा लड़का इसलिए मैंने अश्विनी को जिंदा रखा है, उसका अंत मेरे बेटे के हाथ से होना चाहिए। कन्हैया लाल नेता हूँ मैं। क्या मजाक कर रहे हो यार? अश्विनी हमारी पार्टी ऑफिस में पहली बार आए हो, जरूर आगे बढ़ोगे, हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, हम जरूर राज करेंगे। जीतने के बाद मैं सीएम बनूंगा, तुम असिस्टेंट सीएम बनोगे। मैं सही कह रहा हूँ? नेता जी पॉलिटिक्स को नाटक समझ कर रखा है। ये दुनिया एक नाटक का रंगमंच है, हम सब इसमें एक्टिंग कर रहे हैं, हम सब कैरेक्टर हैं, जैसे शेक्सपियर के नाटक में होता है। मुझे क्यों मार रहा है? मैं तो सच बोल रहा हूँ ना। सच नहीं कहना चाहिए ना, हम सब पॉलिटिशियंस, हमारा स्टेटस, हमारी योग्यता, हमारा गर्व, हमारी पढ़ाई, हमारी सच्चाई, ये सब हम कैसे बता सकते हैं? मैं कोई भी लाइन कहूँ तो हमारे नेताजी की ऐसा कहना चाहिए, क्या बार बार शेक्सपियर, घड़ी घड़ी शेक्सपियर शेक्सपियर कहते रहते हो? क्या वो तेरा क्लासमेट है? एक ही बेंच में साथ में पढ़ा क्या? चल जा यहाँ से, ये भी लेके जा। अच्छा सुन, तू अगर सरकार बनाएगा तो इस देश के लिए क्या करेगा? ये सवाल ही गलत है, पहले मैं क्या करूंगा ये पूछो। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, सबसे पहले शादी के 2 मंडप बनवाऊंगा। 2 मंडप किस लिए? एक ही समय में 2 लड़कियों से शादी करूंगा। बीच में सवाल मत पूछो, मेरा अगला प्लान सुनो। बोलो। बताता हूँ, एक मिनट रुको। ऑल मेंबर्स गो आउटसाइड। 10-10 बंगले खरीदूंगा,
10 कार खरीदूंगा, ऊटी के सारे प्लॉट खरीद लूंगा, दुनिया भर में मेरे प्लॉट्स होंगे, पूरा कोडीकनाल पहाड़ खरीद लूंगा, सिर्फ घर दूसरों के होंगे, टी स्टेट, कॉफी स्टेट, एप्पल का स्टेट, 5-स्टार होटल, 3-स्टार होटल, ये सब बनाऊंगा और साइड में स्विस बैंक में 50 करोड़ रुपए होंगे। ये क्या है? पैसा है। ये सब छोड़कर तिजोरी में अगर कुछ पैसा बच गया तो देश के लोगों की भलाई के बारे में सोचूंगा। तुम भी पॉलिटिक्स में आ जाओ, तुम्हें भी एप्पल स्टेट, कॉफी स्टेट सब मिलेगा। वक्त आने पर मैं भी आऊंगा और तेरे जैसे नेता को खत्म करूंगा। तो फिर तो तुम मत ही आओ। अश्विनी, तुम्हारे मामा है, तुम्हें बाहर बुलाया है। अश्विनी, हाँ। ये मामा तेरी जिंदगी में कब से आ गया? उसको तुरंत अंदर भेज दो, मैं पार्टी में पोस्ट दे दूंगा। अरे वो मेरा रिश्तेदार है। अरे चाहे कोई भी रिश्तेदार होने दो, मुझे सिर्फ चंदे से मतलब है। ए, उठा चंदे की बुक और फाड़ रसीद। मामा आप यहाँ कैसे? अश्विनी, तुमने शादी के लिए मना किया था ना? मैंने मजा किया था मामा जी। क्या बोल रहे हो? मैं जरूर उससे शादी करूंगा। जब वो मुझे पहली बार मिली थी तब मुझे समझ में आया कि वो मुझे कितना प्यार करती है। अगर वो मेरी पत्नी बनेगी तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब मुझ पर छोड़ दीजिए। बाप रे, मेरी बेटी बेवजह जल्दबाजी कर रही है। ये आप क्या कह रहे हैं? तू चल मेरे साथ। रसिका, तुम पागल हो गई हो? हाँ अश्विनी, मैं पागल हो गई हूँ। ये सब क्या है? तुमने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया, लेकिन मेरे दिल में तुम बसे हो। एक लड़की जब किसी से प्यार करती है तो उसे भूल नहीं सकती। तुमने तो मुझसे कहा है कि मंगलसूत्र नहीं पहनाओगे, इसलिए तुम्हारी तस्वीर के सामने तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र पहनने का खुद फैसला किया। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुमसे शादी नहीं करना चाहता, ऐसा ही कहा था ना मैंने? लेकिन ये सब झूठ है, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। अश्विनी, तुम सच कह रहे हो? मेरे मजाक को तुमने सच मान लिया? मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती हो और मेरे दिल को पहचान नहीं सकी? अश्विनी, तो फिर जल्दी से मंगलसूत्र पहना दो ना। मैं कैसा हूँ, मेरा रंग कैसा है, काला है, गोरा है, ये सब बिना जानकारी के तुम मुझे अपने दिल में रखकर जी रही हो। और हमारी शादी इन 4 दीवारी के अंदर तो नहीं होनी चाहिए, घर के बाहर मंडप लगाकर पूरे गांव वालों के सामने धूमधाम से शादी करेंगे। पहले छोटी मालकिन की शादी हो जाने दो, उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे। तब तक तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। अश्विनी, 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 ये अश्विनी कहाँ गायब हो गया? दिल का है ये संगम। मोनिका मोनिका, तेरे दिल की मैं मलिका। मोनिका, अब तो मुझको तेरे समझना। मोनिका।
मोनिका मोनिका तन मन में तू ही बसी है मोनिका मोनिका तेरे मुंह से अच्छा लगता है मोनिका मोनिका ये दिल मेरा तुझको पुकारे मोनिका 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 बनु तेरे दिल की मलिका मोनिका मोनिका तेरे दिल की मैं मलिका तो यही पुकारू मोनिका मोनिका धड़कन धड़कन गाती सरगम मोनिका 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 मेरे दिल की तू ही मलिका मोनिका मोनिका तेरे दिल की मैं मलिका तुम मेरी हो इस दिल से मैं तेरा हूँ इस दिल से तेरा तन मन मेरे दिल का है सरगम दिल का है ये संगम तेरे दिल का है ये संगम दिल का है ये संगम तेरे दिल का है ये संगम मोनिका मोनिका तेरे दिल की मैं मलिका मोनिका मोनिका मेरे दिल की तू ही मलिका अरे मनोज वहाँ पे फूल वाला होगा वहाँ से फूल लेके आ जा ठीक है ये अब तक क्या कर रही है माँ जी क्या छोटी मालकिन तैयार हो गई हाँ। इधर ला जा तू जाके दूसरा काम कर अश्विनी जरा यहाँ ना आ रहा हूँ जरा यहाँ ना क्या है दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ सारे गांव वाले हमारे घर में आए हैं तुम सब लोग बिजी हो क्या बात है कोई त्योहार है क्या क्या आपको कुछ भी नहीं पता माँ जी ने कुछ बताया नहीं आपको मुझे तो कुछ नहीं बताया छोटी मालकिन को लड़का देखने आ रहा है से पूछकर तुमने यहाँ बुलाया पूछना होगा मुझे पूछना होगा मेरी परमिशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता ओहो, ये बात है ठीक है अपने मेघनाथ का लड़का श्रीधर है डॉक्टर बन चुका है अपने दूर का रिश्तेदार भी है उनको जब लड़की देखने के लिए हमने बुलाया तो उन्होंने कहा कि हम बहुत भाग्यशाली है कि आपके घर में हम लड़की लेने आ रहे हैं और मैंने हाँ कर दी समझे तुम लड़की का बाप बनकर एक जगह तुम बैठ जाओ बाकी मैं और अश्विनी सब संभाल लेंगे ये शादी नहीं हो सकती माँ जी लड़के वाले आ गए अरे आ गए क्या ए चलो चलो ए जल्दी चलो चल 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 माँ मेरी बात तो सुनो नमस्ते 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 ए जाके सब तैयारी कर दे आइए 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 यहाँ बैठिए आइए यहाँ बैठिए यहाँ बैठिए अरे आप वहाँ बैठो ना नमस्ते यहाँ बैठो ना नमस्ते दादी हाँ आइए आइए ए खड़ा क्या है जा कॉफी और मिठाई लेके आ पहले लड़की देख लेते बाकी सब बाद में दादी मैं लड़की को लेकर आता हूँ अश्विनी ए दर्द हो रहा है हाथ इधर ला मैं छोटी पहनाता हूँ छोटी मालकिन तुम हो कितनी खूबसूरत लग रही हो लगता है मेरी नजर लग जाएगी तुम भी ना अश्विनी मजाक कर रहे हो ना नहीं छोटी मालकिन तुम सचमुच सुंदर लग रही हो सच कह रहे हो तो और क्या छोटी मालकिन वो जो लड़का है ना वो भी आपकी तरह बहुत खूबसूरत है वो आपको देख लेगा ना तो आज ही शादी करने के लिए कहेगा इतनी चिंता में क्यों दिख रही हो मुझे डर लग रहा है अरे मैं हूँ ना फिर काहे की चिंता तुम बस कुर्सी पर बैठ जाओ बाकी सब मैं संभालूंगा ए तुम लोग सब यहीं रहना ए क्यों रे क्या वो लोग आएंगे तो ही मैं आऊंगी ठीक है ए तुम लोग भी चलो हमारे बगैर कैसे जा सकते चलो चलो रे अरे शर्मो मत आओ आओ बैठो 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 नमस्ते करो नमस्ते भाई कन्हैया लाल जिंदाबाद भाई कन्हैया लाल जिंदाबाद भाई कन्हैया लाल जिंदाबाद भाई कन्हैया लाल शांत हो जाओ हमारी छोटी मालकिन को देखने के लिए आए आप लड़के वालों हम सब आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं पार्टी की तरफ से मैं नमस्ते करता हूँ कन्हैया लाल हमारे घर में माली था
अब पार्टी बनाकर नेता बन गया है। एक माली पार्टी बनाकर नेता बन गया, आश्चर्य की बात है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है, एक साधु डकैत बन सकता है तो एक माली नेता क्यों नहीं बन सकता है? क्यों तुम लोग नहीं मानोगे? क्या मैं नेता बनूं, ये अच्छा नहीं लगता तुम लोगों को? क्या लड़की को डांस आता है? क्यों, भरतनाट्यम का स्कूल चलाएंगे क्या? आजकल टीवी ओपन करेंगे तो स्टार टीवी, सन टीवी, एम टीवी, सब टीवी सब में नाचना दिखाते हैं। 1940 से यही फार्मूला है, सीन को चेंज करो। हमें लड़की बहुत पसंद है। हमें भी लड़का बहुत पसंद है। अश्विनी तेरा क्या कहना है? मैं क्या बोलूं, शादी की रस्म पूरी करते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं होगी, लड़का तुम्हें पसंद नहीं है क्या? कारण बताने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल गलत है, एक नेता के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, कारण बताना जरूरी है। तो सुनो, मेरी लड़की वक्त से पहले पैदा हुई है, इस लड़की का जिंदा रहना मुश्किल है। जब इसका जन्म हुआ था तभी डॉक्टर ने यह हमें बताया था, इसलिए मैंने भगवान से मन्नत मांगी। मेरी औरत को तो तूने उठा लिया, कम से कम मेरी बेटी को तो बचाओ। अगर इस संकट से वो बचती है तो मैं खुद तुम्हारे मंदिर में अपनी लड़की को समर्पण कर दूंगा। मंदिर में समर्पण की हुई लड़की से कैसे दूसरा कोई लड़का शादी कर सकता है? ये बात हमें पहले से पता होता तो यहाँ कभी नहीं आते। चलो चलो सब लोग। अरे अरे रुक जाओ माँ। रुकिए जी, कहाँ जा रहे हैं आप? क्यों रे, तू पागल हो गया, क्या बात कर रहा है? पागल नहीं हूँ मैं, सच बोल रहा हूँ। साहब जी, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। हाँ, हो सकता है, मेरी जान जाने के बाद। माँ, ये मेरी मन्नत है। ये कैसी मन्नत है? मंदिर में बकरी की बलि देना मन्नत है? अपनी बेटी की कोई बलि चढ़ाता है? ये सब बकवास है। ये मेरी और मेरी बेटी के संबंध की बात है, कोई बीच में ना आए तो ही अच्छा है। साहब जी, आप बिल्कुल पागल हो चुके हैं, इसलिए अपनी बेटी को बलि चढ़ा रहे हैं। तुमने मुझे पागल कहा? होते कौन हो तुम? इस घर के नौकर हो, मुझे जवाब दे रहे हो? निकल जाओ इस घर से। निकल जाओ? मैंने कहा निकल जाओ। तुम रुको माँ, या तो मैं इस घर में रहूंगा या इसे बाहर निकलना पड़ेगा। निकल जाओ, मैंने कहा निकल जाओ इस घर से। मेरी वजह से आप क्यों बाहर जाएंगे? मैं खुद चला जाऊंगा, नौकर हूं ना, लेकिन मैं आपकी मन्नत पूरी नहीं होने दूंगा। चलता हूँ। अश्विनी मत जा, मुझे छोड़ के मत जा। अश्विनी मत जा, अश्विनी। अरे पापी, तूने ये क्या किया? दादी दादी, रुक जाओ दादी, नहीं दादी रुक जाओ। रुक जाइए, छोड़िए छोड़िए, आप जाइए, आप जाइए, शांत हो जाइए आप। पापा उसे रोकिए, अश्विनी को जाने से रोकिए पापा। पापा, मेरी अपनी लड़की हो तुम, मुझे दूसरों की चिंता नहीं है। क्या मेरा फैसला तुम्हें भी गलत लग रहा है? और अगर मैं गलत हूँ तो मैंने अन्याय किया है, ये तो मुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपके बिना मैं कैसे जीऊंगी? मेरी खुशी के लिए आपने मन्नत मांगी थी ना पापा, आप अपनी मन्नत पूरी कीजिए, उसके लिए मैं आपके साथ हूँ पापा। आपने अपनी बेटी के लिए मन्नत मांगी थी, ये गलत नहीं है। अपने जिंदगी तो दे दी, लेकिन अब वो दुखी है। आप भी उन लोगों की तरह बात कर रही हो। मेरी सारी दुनिया तो ये मंदिर ही है, लेकिन आपकी बेटी को बहुत सारी अद्भुत शक्ति मिली है, लेकिन मंदिर तो मंदिर होता है। मन्नत पूरी करने में मुझे कोई नहीं रोक सकता। आपका फैसला आपके हाथ में है। कल पूर्णिमा है, कल ही मैं मेरी बेटी को इस मंदिर में भगवान को समर्पित कर दूंगा। अश्विनी। दादी। अश्विनी, छुटकी के लिए तूने कैसे कैसे ख्वाब देखे थे, लगता है पूरे नहीं होंगे। 16 बच्चे पैदा करने की इच्छा रखती थी मेरी पोती, उसने क्या पाप किया है? मेरी पोती अगर हमारी इच्छा से जिए तो भगवान नाराज हो जाएगा। अगर मेरी पोती मेरे बेटे की बेटी बनी रही तो उसकी मन्नत पूरी हो सकती है, वो उसे मंदिर भेज देगा। मगर वो तेरी औरत बनी तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। दादी, ये गलत नहीं है अश्विनी, ये मंगलसूत्र उसे पहना दे। ये बात मैं सिर्फ तुमसे ही कह सकती हूँ, क्योंकि तू ही एक मेरा अपना है। दादी,
ये मुझसे नहीं होगा। अगर तू दिल से चाहेगा तो हो जाएगा। अगर तू मुझसे और मेरी पोती से प्यार करता है तो ये मंगलसूत्र उसे पहना दे। दादी ये सब मुझसे कैसे हो सकता है, ये मुझसे नहीं होगा। दादी दादी दादी। बेटा अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो ये मंगलसूत्र ले ले, और अगर तेरा मेरा रिश्ता कुछ भी नहीं है तो जाने दे। दादी ये मंगलसूत्र मैं छोटी मालकिन को पहना दूं तो आप खुश रहेंगी ना? मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा और छोटी मालकिन खुशी से जिएगी। मैं उनसे शादी करूंगा, और वैसे इस दुनिया में मेरा आपके और छोटी मालकिन के सिवा और कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। मैं इसे भगवान को समर्पित करता हूँ। आज से मेरा और मेरी बेटी का कोई रिश्ता नहीं रहेगा, ऐसा कहकर हल्दी का पानी उसके सर पर डालिए। पंडित जी के लिए मैंने कहा उसे, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। चलो अश्विनी चलो। छोड़ो दादी, आप कुछ भी कहेंगे तो क्या मैं मान जाऊंगी? सुनो छुटकी, तुम बच्ची हो इसलिए तेरे पापा ने बुलाया तो तुम चुपचाप चली गई। अगर तुम होशियार होती तो उसे सवाल पूछती। सुन, तेरी खुशी के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। पापा ने भी तो मेरे लिए मन्नत मांगी थी। पापा। बेटी रो मत बेटी, मुझे ये शादी मंजूर है। भगवान ने तुम्हें अश्विनी को समर्पित कर दिया। पापा? हाँ बेटा, भगवान का यह फैसला मैं कैसे बदल सकता हूँ? मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें भगवान को समर्पित कर दूंगा, लेकिन भगवान ने ही तुम्हें अश्विनी को समर्पित कर दिया। बेटे मैं अच्छी तरह से जानती थी तू इस शादी के लिए हाँ कहेगा। तू फिक्र मत कर, कुछ उपाय करके सब ठीक करवा देंगे। मैंने कहा था ना छुटकी, तेरे पापा मान जाएंगे। अश्विनी अब तुम इस घर के दामाद बन गए हो, इसलिए तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कुछ गलत कर दिया? गलती तुमने नहीं अश्विनी, मैंने की है। इतने साल मैंने तुम सबको बेवकूफ बनाया, भगवान को भी बनाने की कोशिश की लेकिन नहीं बना पाया। मैंने कहा था मेरी बेटी को भगवान को समर्पित कर रहा हूं मैं, मैंने झूठ बोला। मेरी बेटी की जिंदगी भर शादी ना हो इसलिए लड़के वालों को मना करता रहा मैं, लेकिन माँ अचानक लड़के को घर पर ही लेके आई। मैं डर गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। मैं कहने वाला था कि लड़का मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर तुम लोग किसी दूसरे को घर ले आते, और मैं कब तक कहते रहता कि लड़का मुझे पसंद नहीं है? अश्विनी मैं कहते रहता कि मेरी लड़की की कुंडली सही नहीं है, सोचा था तुम लोग समझ जाओगे। फिर मैं सोचने लगा कि ये शादी टालने के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या करूँ मैं। तभी मंदिर में जोगन को देखा मैंने, तभी मेरे मन में आया कि अगर मेरी बेटी जोगन बनती है तो जोगन के रूप में सही मेरी लड़की मेरे आंखों के सामने जिंदा तो रहेगी। इसलिए मैंने झूठ बोला कि मैंने मन्नत मांगी है। अश्विनी ये सब करते हुए मुझे कुछ खुशी नहीं हुई, लेकिन मेरी बेटी के जान के खातिर मुझे ये करना पड़ा। अगर तुम घर पर रहते तो मुझे मना कर देते, इसलिए मैंने तुम्हें जलील करके निकाल दिया। साहब जी, कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की शादी के लिए मना नहीं करते, तो फिर आपने ऐसे क्यों किया? देखो अश्विनी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हुआ था जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने थोड़ी देर में मुझे अंदर बुलाया, और तभी मुझे मालूम पड़ा मेरी खुशियां मिट्टी में मिल गई है। पता चला अब मुझे जिंदगी भर रोना ही है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि वक्त से पहले पैदा हुई बच्ची मर जाती है, और कुछ बच्चे 2 साल या 3 साल के बाद, और कुछ बच्चे
सबकी तरह बहुत साल तक जीते हैं। देखिए आपकी बच्ची भी तो बहुत साल तक जी सकती है। और मेरी बेटी की यमदूत से लड़ाई तब से शुरू हुई। तुम तो उससे तुम छोटी हो बोलकर बात करते हो। उसे थोड़ा सा भी दुख हुआ तो भी तुम झेल नहीं सकते हो। लेकिन मैं हर पल यही सोचता रहा कि मेरी बेटी इस पल जिंदा है, लेकिन कहीं अगले ही पल वो मर तो नहीं जाएगी। मैं हर रोज उसे दवाइयां देता रहा हूं। तुमने पूछा था कि वो दवाइयां क्यों देता हूं, ताकि वो जिंदा रहे। जब वो थोड़ी बड़ी हो गई तो उसके पेट में दर्द होने लगा, तो मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गया। मैंने आपकी लड़की का पूरा चेकअप कर लिया है, उसकी तबीयत में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर? आपकी बेटी जब से पैदा हुई है उसकी जान बचाने के लिए बहुत सारी दवाइयां दी गई हैं। इससे उसकी जान तो बच गई, लेकिन गर्भाशय वीक हो गया। वो पूरी तरह से आपको नॉर्मल जरूर दिखेगी, लेकिन एक बात बता दूं, उसकी शादी करवाने के बाद आप अपने दिल से निकाल दें। अगर उसकी शादी हो जाती है तो उसे बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। बच्चा पैदा करते वक्त उसके जान को खतरा है। उसका गर्भाशय शुरू से बहुत ही कमजोर है। ऐसे में बच्चे का बोझ वो बिल्कुल नहीं उठा पाएगी। ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या कर दिया? अश्विनी, अश्विनी, बहुत बड़ी गलती हो गई। अश्विनी, अश्विनी, मेरी बात सुनो, अश्विनी, शांत हो जाओ। अश्विनी, अश्विनी, ये क्या हो गया? अश्विनी, जब तुम खुद नहीं झेल पा रहे हो तो मेरी माँ कैसे झेल पाती है सर? 16 बच्चे पैदा करेगी ऐसा बोलती रहती है वो। लेकिन अगर मेरी बेटी गर्भ होती रहेगी तो मर जाएगी, ये बात मैं उसे कैसे बता सकता हूँ? मेरी बेटी की शादी हो जाएगी और बच्चा होते ही वो मर जाएगी, ऐसी बातें मेरे ख्वाब में भी नहीं सोची थी मैंने। अब बताओ अश्विनी, मैं मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ यही सोचकर तुमने उसे मंगलसूत्र पहना है ना? अश्विनी, अब छोटी मालकिन की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है। मैं उसको जीने दूंगा, उसको मरने नहीं दूंगा, जरूर जीने दूंगा। अश्विनी, वादा करो तुम उसे जिंदगी भर नहीं छूओगे। ये सजा मैंने नहीं दी है तुम्हें, ये तुमने खुद स्वीकार कर ली है। अश्विनी, यह सच बताने के लिए मैं इतने दूर लेकर आया हूँ तुम्हें। तुम कुछ भी करो, लेकिन यह बात मेरी बेटी और माँ को पता नहीं होनी चाहिए। यह बात किसी को भी मालूम नहीं पड़ेगी। अश्विनी, मेरी जंग आज खत्म हो गई, अब तुम्हारी जंग शुरू हो गई है। मुझे विश्वास है तुम जीतोगे ये जंग, तभी मेरी बेटी जिंदा रहेगी। राजा, ये क्या कर रहे हो? स्टॉप इट। मैं मेरी खुद की शक्ल नहीं देख पा रहा हूँ, बाकी के लोग कैसे देखेंगे इसे? मैंने उस छोटी को हाथ लगाया और उसने मेरा ये हाल किया। राजा, तुम्हारा गुस्सा, आक्रोश, ये सब जायज है, लेकिन इस गुस्से को आईना और कपबोर्ड को दिखाकर क्या फायदा? उसने तो सिर्फ तेरी शक्ल को बिगाड़ा है, तू उसकी जिंदगी को बिगाड़ के रख दे। बेटा जा, जल्दी जा, तेरा गुस्सा उस पर दिखा। आज उसकी सुहाग रात नहीं होनी चाहिए, आखिरी रात होनी चाहिए। जा। Yeah.
तेरी शक्ल को बिगाड़ना और तुझे बेइज्जत करना ये मेरा मकसद नहीं था। तूने जो गलती की है उसकी सजा भगवान ने तुझे दे दी। पुरानी बातें मैं भूल गया हूं, तू भी भूल जा। क्या हुआ अश्विनी, तुम छोटे मालकिन को साथ नहीं लाए? यहां कैसे लेकर आओगे? लाओगे तो यहां पोल नहीं खुल जाएगी। मैंने पहले तुम्हें मना कर दिया था और तुमने मेरी बेटी से बदला लिया है ना, तू कैसे खुशी से जिएगा देखता हूं तुझे। मैंने कई तरह के लोगों के बारे में सुना है लेकिन तुम्हारा तो जवाब ही नहीं। अरे तुम ही मुझसे हर वक्त कहा करते थे ना कि छोटी मालकिन तो मेरी जान है, उसे कोई छूना नहीं चाहिए। अगर उसकी तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ के रख दूंगा, उस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। ऐसा तुमने क्यों कहा था उस दिन ही मुझे पता चल गया। आखिर उसकी जायदाद पे तुम्हारी नजर जो थी। मैंने शादी की है लेकिन पैसे और जायदाद के लिए नहीं, ये सब मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई लेकिन तुम्हें बहुत जीना है, इसलिए तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढकर शादी करवा दूंगा। क्या कहा क्या कहा? मेरे लिए दूसरा लड़का ढूंढकर मेरी शादी करवाओगे? बेचारा वो लड़का। तुम तो हर वक्त मुझसे छुटकारा पाने के बहाने ढूंढते हो, लेकिन इतने सालों से मैं दिल से तुम्हें अपना पति मानती आ रही हूँ, इसलिए किसी और लड़के से मेरी शादी करवाने की बात मत सोचना। कोई मुझसे शादी करेगा तो मैं उसे अपना प्यार बिल्कुल नहीं दे पाऊंगी। इससे बेहतर होगा कि मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी बनकर शान से जीऊंगी। ये कभी नहीं होगा। मैं करके दिखाऊंगी, तुम्हारे घर के आगे शादी का मंडप लगाकर गांव वालों के सामने मैं तुमसे शादी करके दिखाऊंगी। रसिका तुम अपना फैसला बदल दो। फैसला मैं बदलूंगी या तुम बदलने पे मजबूर होगे ये देख लेंगे। अरे अश्विनी कहाँ है? वो तो बाहर बैठा है। अश्विनी आज किसी से बात ही नहीं कर रहा है, बाहर वरांडे में अकेला बैठा है। अकेले बैठा है? ए, ये सब ठीक कर, मैं अभी आती हूँ। ठीक है दादी। अश्विनी बैठो बेटा। अश्विनी तू अपने मन में क्या सोच रहा है मुझे पता है। इतने दिनों तक बच्चों की तरह चुटकी से बात करता था, आज पति बनकर कैसे बात करेगा यही सोच रहा है ना? मेरी बात मानकर तूने उसे मंगलसूत्र पहनाया, लेकिन इससे तेरा फर्ज पूरा होता ऐसा मत समझ। वो एक बच्चे की तरह है। मैं और उसके पापा आखिरी दिनों तक उसके साथ नहीं रह पाएंगे, इसलिए भगवान ने तुम्हें पति बनाया। अभी तक तुमने मेरी हर बात मानी है, मेरी आखिरी इच्छा भी पूरी कर। तू पूरी करेगा ना अश्विनी? जवाब दे बेटा। करूंगा दादी। वादा कर। आज से 10 महीने के बाद मेरी पोती माँ बनना जरूरी है। तूने वादा किया है भूलना नहीं। ये ले, ये नया शर्ट पहन ले और खुशी से अंदर चले जा। हा? सुनो लड़कियों, काम खत्म हुआ कि नहीं? बस हो गया दादी। कैसे खत्म करोगी दादी? हा? ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझाती हूँ। सुनो तुम लोग सब बाहर जाओ, जाओ जाओ जल्दी, मैं सब देख लूंगी। जाओ। सुनो चुटकी, आज तेरी सुहाग रात है। कैसे? कल भी तो वो रात आई थी। कल जो रात थी वो शादी के पहले वाली रात थी। शादी के होने के बाद आज पहली रात है। इससे क्या होता है? तुम बच्चे पैदा करना चाहती हो ना? मंगलसूत्र पहनने से बच्चा होता है ऐसा अश्विनी ने कहा था। हाँ कहा होगा, मंगलसूत्र पहनने से बच्चे नहीं होते, उसके आगे भी बहुत सारी बातें हैं। क्या है? बताती हूँ, पहले तू उठ, अश्विनी सब कुछ तुम्हें बता देगा। और सुन, तू और अश्विनी आज से एक ही रूम में सोओगे। क्यों? क्यों क्या? क्योंकि अब वो तेरा पति है। और बात सुन, आज से अश्विनी के नाम से नहीं पुकारेगी। फिर कैसे पुकारूं? आइए जाइए खाइए पिए उठिए, ठीक है? तू जा जा। और सुन, वहां जाके उसके पैर छू लेना। लेकिन क्यों? अरे क्यों क्या, छूना है तो छू लेना, जा। हमेशा बहुत सवाल पूछती रहती है,
हे भगवान, मेरी पोती को तूने क्यों बचाया? ये लीजिए। छोटी मालकिन, ये क्या है? दादी ने कहा था आपके पांव छूने के लिए। आज के बाद आपको आइए जाइए उठिए ऐसे पुकारना है। अश्विनी के नाम से भी नहीं बुला सकती। आप मेरी छोटी मालकिन हैं। मैं आपके लिए हमेशा अश्विनी ही हूँ। तो क्या मैं तुम्हें अश्विनी के नाम से पुकार सकती हूँ? बिल्कुल पुकार सकती हो। एक अच्छा लड़का ढूंढकर आपकी शादी करवा दूंगा ऐसा कहा था, लेकिन मैं खुद ही आपसे शादी कर बैठा। इससे आप नाराज हो ना? सब लड़कियों की शादी क्यों होती है? एक लड़की का दुनिया में अकेले रहना मुश्किल है, इसलिए उसे एक मर्द के सहारे की जरूरत है। उस मर्द को उस लड़की के साथ क्या क्या करना चाहिए? उसके आंसू बहने नहीं देने चाहिए और उसको हमेशा खुश रखना चाहिए। फिर तो तुम्हारे अलावा कौन मेरी खुशी से देखभाल करेगा? अश्विनी, आप जिंदगी भर हमेशा खुशी से रहोगे। आप इस बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाता हूँ। सुहागरात तो यही है ना? हाँ। मैं तो कुछ और सोचकर डर ही गई थी। डरो मत, सो जाओ। अश्विनी, सिर्फ मंगलसूत्र पहनाने से बच्चा नहीं होता, कुछ और बात है। दादी ने कहा था कि ये बात तुम मुझे बताओगे, क्या है वो? वो सब कुछ नहीं है छोटी मालकिन, वो ऐसे ही मजाक कर रही थी। ऐसी बात है, रुको कल दादी को बताती हूँ। अच्छा अश्विनी, मुझे कब बच्चा पैदा होगा? बहुत जल्दी बच्चा पैदा होगा, अब सो जाओ। हे भगवान, तूने छोटे मालकिन को इतनी बड़ी सजा क्यों दी? हे भगवान, सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। अरे आगी 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 मेरी महारानी, मेरी प्यारी बच्ची, आजा 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 आजा, चल आजा आजा, चल बैठ यहाँ, बैठ बैठ बैठ। अश्विनी कहाँ है? अंदर सो रहा है क्या? वो तो सुबह ही चले गए। कहाँ चला गया? क्या बात है, साड़ी भी ठीक है, फूल भी ठीक है, चेहरे पे भी शर्म नहीं दिख रही है। रात को कुछ हुआ कि नहीं? जैसा आपने बताया वैसा ही अश्विनी को कहा, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम हमेशा ही मेरी छोटी मालकिन हो, ऐसा उसने कहा। हाँ, फिर? तुम बेड में सो जाओ, मैं नीचे सोता हूँ, ऐसा अश्विनी ने कहा। और? मंगलसूत्र पहनने से बच्चा नहीं होता, इसके पीछे कुछ और बात है। ये तुमने मुझे कही थी ना, और ये बात मैंने अश्विनी को बताई। उसने कहा आपने मजाक किया है। क्यों, क्या मैंने मजाक किया है? जरूर वो बोलेगा है। और क्या हुआ फिर? बच्चा कब पैदा होगा पूछा तो उसने कहा जल्दी होगा। और फिर? फिर क्या, मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। तू सो गई? इसका कुछ करना पड़ेगा, पहले तुम्हें समझाऊंगी और फिर अश्विनी से बात करूंगी। अरे अश्विनी, मेरी पोती को बेवकूफ बनाया, मुझे कैसे बनाता है? इधर देखो। ये क्या है? कुत्ता। ये कोई साधारण कुत्ता नहीं है, एक पैर से लंगड़ा है। इस तरह तुम लड़कों की बार बार तारीफ करती हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। आपने मुझे अपना सेक्रेटरी बनाया है, इसलिए तो मैं उसे आजमा के देख रही थी सर। उसको मारते और डांटते रहना चाहिए, वरना वो नेता बन जाएगा और मैं सेवक बन जाऊंगा, समझी तुम? इस पार्टी में शामिल हुई हूँ तो सिर्फ आपके लिए। उस दिन तुमने कहा तन मन आत्मा सब पार्टी के लिए है, इसका क्या अर्थ है? वो सब चीजें पार्टी के लिए, बाकी सब तो आपके लिए। तुम सही कह रही हो, तुमने मुझे तन दे दिया तो सारे सेवक तुम्हारी सेवा करेंगे। फिर पार्टी? पार्टी से हम पार्टी करेंगे। छोड़ो ना दादी, क्या है? रुक, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ, ये ले, ये किताब पढ़। ये कौन सी किताब है? अरे तुम्हें 16 बच्चे पैदा करने की इच्छा है ना? कैसे बच्चा पैदा करना है ये समझाया है इसमें। आप सच कह रहे हो? हाँ, पहले इसे पढ़ो। 16 क्या, 160 बच्चे भी पैदा कर दोगी। अच्छा यहाँ बैठ के अच्छी तरह से पढ़ा, चल बैठ, यहाँ बैठ के पढ़, चल पढ़ पढ़। जी 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 जी, शर्मा दिए मुझे इस नेता की करतूत पर। सेक्रेटरी, आपको क्या हुआ, आप क्यों परेशान हो रहे हो? ट्रेजर के साथ मस्ती कर रहा है। अरे वो कर रहा है तो क्या हुआ, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? इससे हमारे पार्टी की बदनामी हो रही है। सेक्रेटरी सही कह रहा है, कार्यकारिणी समिति को बैठना ही पड़ेगा। कार्यकर्ताओं को बुलाओ, नेताओं को बुलाओ, नेताओं को बुलाओ, कार्यकर्ताओं को बुलाओ। तुम्हारा भाई तो मेरा साला हुआ है ना, तो अगले महीने के चंदे का पैसा मैं उसके लिए भेज दूंगा, ठीक है? नेताजी, कार्य समिति के सदस्य आपको बुला रहे हैं, आप बाहर आ रहे हो या हम अंदर आए? क्या रे, कार्यकर्ता और सदस्य के नाम से मेरी जान क्यों खा रहे हो तुम लोग? ये लोग तुमसे प्रेम से दो बातें भी नहीं करने देते। आज मैं इनका फैसला कर देता हूँ, चलो। क्यों रे, क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? नेताजी, कार्यकर्ता कमेटी ने बुलाया है। आपका इनके साथ मस्ती करना हमें पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद नहीं तो क्या हुआ, मुझे तो पसंद है ना। आपको सेवकों को जवाब देना है। अबे तू काहे का सेवक है बे, रोज यहाँ बैठ के 500 रुपए की चाय पी के जाता है, मैं तुझे जवाब दूंगा? क्यों इस तरह से बात? इसी तरह से बात करूंगा। सुन लो, ये नेत्री है, मैं नेता हूँ, हम ही पार्टी है और पार्टी से हम है, जिसको रहना है रहो, जिसको जाना है जाओ। कुत्तो, आपने मुझे कुत्ता बोला? मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नेता हूँ। मैं तुम लोगों को गधा कहूंगा, भैंसा कहूंगा, कुत्ता कहूंगा, कुछ भी कहूंगा, रहना है तो रहो नहीं तो जाओ।
ये क्या बात हुई, पार्टी ऑफिस में आते हो, चाय पीते हो, पेपर पढ़ते हो, दूसरी पार्टी के बारे में बातचीत करते हो, आज से इस ऑफिस में आना नहीं, चलो बाहर जाओ और जाकर शहर की सारी दीवारों में नेता नेत्री जिंदाबाद लिख कर आओ, जाओ। ए, ए, तुम आज से कार्यकारिणी समिति को बुलाना नहीं। ये क्या है सर? गांव वालों को बुलाकर गांव को कैसे लूटना है उसका प्लान बनाता है। 10 रुपए का छुट्टा करके अगर उससे फेंकेंगे तो ये सारे के सारे नेता उसे चुनने लगेंगे। स्टूपिड फेलो, चलो अंदर चलते हैं। सुनो, हम सब लोग नेता से दुश्मन नहीं ले सकते, इसलिए हम रोड पर जाकर नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाकर जिंदा रहेंगे। चलो 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 चलो। सुन भाई, मेरी ट्रेजर की पोस्ट निकालकर उस लड़की को दे दी, उसी तरह तेरी सेक्रेटरीशिप भी छीन लेगा। अभी तो सोच ले। इसकी बात तो सही है, इससे बर्ताव से तो लगता है ये मुझे पार्टी से भी निकाल देगा। मैं इसे चैन की नींद नहीं सोने दूंगा, इस पार्टी के मैं 2 टुकड़े करके रहूंगा। मेरी प्यारी किताब पढ़ ली ना, उठ 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 मेरी क्या प्यारी। दादी, इसमें सब उल्टा सीधा लिखा है, मुझे शर्म आ रही है। अरे वाह, मेरी पोती शर्माने लगी, मैंने जो सोचा वही होगा। लेकिन सुन, शर्माने से बच्चा पैदा नहीं होगा, तूने सब कुछ समझ लिया ना? चल। अरे अश्विनी, आज तू जीतता है कि मैं जीतती हूँ, चलो देखते हैं। ये सब क्या है दादी? बैठो बैठो, ये बादाम है और ये देख पिस्ता है और ये शिलाजीत, इन तीनों को एक साथ मिलाकर पत्थर में पीस कर एक ग्लास दूध में थोड़ा शक्कर मिलाकर अगर पूरा ग्लास पिया जाए तो तपस्या कर रहे मुनि की भी तपस्या भंग हो जाए। आज रात को अश्विनी घर पर नहीं आएगा, वो खेत के मचान पे ही सोने वाला है। तो तुझे क्या करना है पता है? ये सब कुछ मिलाया हुआ दूध उसे जाकर पिला दे, उसके बाद देखना 9 महीने में तुझे बच्चा हो जाएगा। इसे पीने से क्या होगा? अरे ये पीने के बाद वो अपने आप को भूल जाएगा और तुझे छूने लगेगा, इसलिए उसे दूध देने के बाद आराम से बैठना नहीं, उसके पास बैठकर गाना गाना और नाच करना। क्या गाना पड़ेगा? गाना गाने से क्या डरती है? मैं तेरे दादा को जो गाना गाकर सुनाती थी वो याद करके तू उसे सुना देना। दादी, आपको गाना गाना भी आता है? अरे गाना, तू क्या समझती है? मैं तो बहुत सारे गाने जानती हूँ। हाँ, पुराने तरीके के गाने हैं, पर है तो गाने ना। धीरे धीरे आना तू मेरे अंगना में, तारा रा 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 रा, तू आना मेरे अंगना, यही है वो गाना, जाके उसे सुना दे और हिला दे उसे। अभी देखना दादी। सुनिए छोटी मालकिन, इतनी रात को आप यहाँ? आपने खाना नहीं खाया ना? मैंने खा लिया है, आप घर जाओ। कम से कम ये दूध तो पी लीजिए। मैंने कहा ना खाना खा लिया है, आप जाओ। नहीं जाऊंगी, दूध पियोगे तभी जाऊंगी। ठीक है ठीक है, तो लेकिन एक बात है, दूध पीने के बाद तुरंत चली जाना। ए, ए। छोटी मालकिन, ये दूध जैसा नहीं लग रहा है। ये आपके लिए खास बनाया है। ठीक है बारिश आ रही है, आप घर जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। छोटी मालकिन, मैंने कहा ना घर जाओ। बरसे तन में अगन लगे, दूर दूर रहता है मुझसे मन मेरा तरसे। बूंद बूंद बारिश के बरसे तन में अगन लगे, दूर दूर रहता है मुझसे मन मेरा तरसे। ऐसा मौसम जीवन में आता है कभी कभी, आ जा बाहों में मुझको भर ले। बूंद बूंद बारिश के बरसे तन में अगन लगे, दूर दूर रहता है मुझसे मन मेरा तरसे। Ah.
लगा है, मन मेरा डगमगाने लगा है, प्यार तेरा है एक नशा सा जो मुझ पे अब छाने लगा है। बूंद बूंद बारिश के बरसे तन में अगन लगे, दुर दुर रहता है मुझसे मन मेरा तरसे। बरसे तन में अगन लगे, दूर दूर रहता है मुझसे मन मेरा तरसे। क्या कर रही हो माँ? मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम इधर उधर घूम रही हो, बहुत परेशान लग रही हो। क्या बात क्या है माँ? तू चुप कर, तू कुछ नहीं जानता है। क्या हुआ माँ? अरे आइए 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 आइए, क्या बात है। मैंने तुझे जो बताया था सब कुछ वैसा ही हुआ ना। अरे अश्विनी तू क्यों चुपचाप बैठा है, तू भी कुछ बोल ना। मैंने कहा था ना, बिल्ली जैसे दूध के पीछे घूमती है वैसे ये भी तेरे पीछे घूमेगा। चल चल मैं तेरी नजर उतारती हूँ, चल 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 अंदर चल। धोखा दे दिया ना मुझे, मुझसे गलती हो गई। क्या कर बैठे तुम, अपनी पत्नी को अपने ही हाथों मार दिया। नहीं साहब जी, मेरी जान देकर भी मैं छोटे मालकिन को बचाऊंगा। अगर हम सोचे ना तो किस्मत को भी बदल सकते हैं। आप अपनी बेटी के बारे में सब कुछ जानते थे, फिर भी आपने उसकी शादी क्यों करवाई? डॉक्टर, आप छोटी मालकिन को कैसे भी बचा लीजिए, हमें बच्चे की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ छोटी मालकिन जिंदा रहे। अच्छी बात है कि आपने तुरंत आकर इस बात को बता दिया, हम उसे प्रेग्नेंट होने से बचा सकते हैं। ये लो ये टेबलेट जल्दी से ले आओ। ओके डॉक्टर। मैं आपको प्रेगनेंसी रोकने की दवा दे रही हूँ, हर रोज 3 महीने तक अगर आप उसे वो दवा देते रहेंगे तो प्रेगनेंसी रुक जाएगी। डॉक्टर, छोटी मालकिन को कुछ नहीं होगा ना? चिंता मत करो अश्विनी। डॉक्टर, एक इमरजेंसी केस है, उसे एडमिट कर लो, मैं अभी आती हूँ। भूलना नहीं, हर रोज दवाई देना जरूरी है, कंपाउंडर दवा लाता ही होगा, आप दवा लेकर ही जाना। डॉक्टर, देखो डरो मत, हिम्मत से काम लो। ये लीजिए दवा सर। ये लो। सब कुछ अंदर लाओ जल्दी। इतनी सारी चीजें लेके आई हूँ। मेरे होने वाले बच्चे के खेलने के लिए खिलौने, पहनने के लिए कपड़े सब लाई हूँ। अरे बाप रे, इतनी सारी। दादी, मेरे लड़के के 3 साल होने तक का पूरा सामान लाई हूँ। अभी से फैसला किया कि लड़का ही होगा? तुमने ही तो कहा था पहले लड़का होगा, फिर लड़की होगी, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की। अरे अरे अरे, तेरा बस चले तू 10 महीने में 10 बच्चे पैदा करे। हाँ। हाँ बोलती है। हाँ। 7-8 महीने के बाद मैं दुकान नहीं जा सकती ना, इसीलिए सारा सामान खरीद कर मैं ले आई। मैं भी बच्चे के बारे में डॉक्टर से पूछताछ करके आया हूँ। डॉक्टर से? वो क्यों? बच्चा खूबसूरत और स्वस्थ होना चाहिए, इसलिए डॉक्टर ने कुछ दवाई दी है, इसको हर रोज खाओगी तो बच्चा सही समय पर पैदा होगा। दवाई खाने से बच्चा खूबसूरत होगा? हाँ बिल्कुल। तो फिर ये दवाई रोज 10 बार खा लूं? नहीं छोटी मालकिन, एक खाओगी तो भी काफी है।
मैं अभी जाकर दवाई ले लेती हूँ। मुझे माफ करना छोटी मालकिन, मैं आपको झूठ बोलकर ये दवाई दे रहा हूँ। जो मुझे मिलना चाहिए वो इसको दे रहा है, जो गोली मुझे देनी चाहिए वो अश्विनी उसको दे रहा है। सब लोग मिलकर मुझे चला रहे हैं। अश्विनी रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये गोली यहाँ रखो। अश्विनी रसिका पे देवी आ गई, जल्दी जाओ वहाँ। रसिका के अंदर देवी आ गई, ये कैसे हो गया? ए, तुम लोग कौन हो? देवी तुम्हें क्या चाहिए बोलो। यहाँ क्यों आए हो? क्या बात है, ये दोनों ही नाच रहे हैं। इन दोनों में से किसको देवी आई है पता ही नहीं चल रहा है। पंडित दारू पी लिया है क्या? देवी मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटे। ए, तुम माता हो क्या? नहीं। चुप करो। माता मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो खुश रहो। आप कौन सी देवी हो पता नहीं चल रहा है। वली माता। भाई साहब वली माता जी आखिर इनमें कैसे आ सकती है? वली नहीं आएगी तो क्या तेरी दादी आएगी? अपनी बकवास बंद कर। मैं एक बेवकूफ को साथ लाया हूँ, मैं इसे भगा कर आता हूँ। आप आ सकते हो। वली माता कार्तिकेय जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। वली माता मैंने एक पार्टी शुरू की है, आने वाले इलेक्शन में मैं और मेरी पार्टी जीत जाए और मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ, ऐसा होगा या नहीं होगा ये मुझे बता दीजिए ना माता। होगा, तू जा। मेरे लिए काफी है माता जी। आओ अश्विनी देखो वली माता आई है। वल्ली माता तुम्हें क्या चाहिए बोलो। मेरे गले में मंगलसूत्र पहनो। ठीक है मैं पहनाता हूँ ना। तू पहनाएगा तो खून की उल्टी करेगा। मुझे काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। फिर किसके हाथों से पहनना चाहोगे वल्ली माता? इस भीड़ में एक लड़का है जिसका नाम अश्विनी है, वो मुझे पहनाएगा। अरे अश्विनी माता जी खुद कह रही है जाके मंगलसूत्र पहनाओ। अरे मंगलसूत्र पहना। माता जी बहुत इज्जत दे रही है। अश्विनी ये लो मंगलसूत्र पहना दो। अश्विनी देवी गई ना पंडित जी। सभी देवी भाग गई, अब मैं भी भाग जाता हूँ। अश्विनी तुमने एक लाफा मारा और देवी चली गई, लेकिन देवी जाने से पहले मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा ये बोल के गई है, मेरे लिए ये काफी है। आप लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं, चलो निकलो। देखो रसिका मजाक की भी एक हद होती है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अश्विनी आज तो तुम मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाने से बच गए, लेकिन एक दिन तुम्हें मंगलसूत्र पहनाना ही होगा। सब देखो जो मैं कहती थी ना वही सब कुछ हुआ। ये तो बहुत खुशी की बात है, तुम्हारी पोती माँ बनने वाली है। मैं माँ बनने वाली हूँ। दादी दादी मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ। मदर मैं माँ बनने वाली हूँ। पापा पापा मैं माँ बनने वाली हूँ। पापा दादी दादी मैं माँ बनने वाली हूँ। अश्विन अश्विन मैं माँ बनने वाली हूँ। अच्छी तरह देख कर बोलो, ये आम उल्टी भी हो सकती है। देखो बेटा मेरे इतने साल का तजुर्बा है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, छोटी मालकिन माँ बनने वाली है। वाह वाह तुमने मुझे खुश कर दिया, ये लो सब लोग ले लो, सब ले लो, ये लो ये लो तुम भी लो। ए मदन मेरी पोती माँ बनने वाली है, ये सारी बातें पूरे गांव में बता दो, इसे त्योहार की तरह मनाओ। नाच रे नाच, नाच रे नाच, नाच रे नाच, नाच रे नाच, जोर से नाच, जोर से नाच। क्या हो रहा है डैड, वो छोटी बच्चे की माँ बनने वाली है इसलिए सारा गाँव नाच रहा है और आप भी नाच रहे हैं? बेटे वो लोग छोटी मालकिन को बच्चा होगा इस खुशी में नाच रहे हैं ना, और मैं मरने की खुशी में नाच रहा हूँ। डैडी आप क्या कह रहे हैं? ये जरूर कामयाब होगी, छोटी मालकिन कैसे मरेगी मैं उसे कुछ नहीं करूँगा, वो खुद ही मर जाएगी। ये जानना चाहते हो मैं उसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। तेरी शक्ल को ठीक करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करने वाले एक डॉक्टर से मिलने मैं शहर के एक हॉस्पिटल में गया था, और वहाँ लेडी डॉक्टर के पास अश्विनी और उसके ससुर को मैंने डॉक्टर से बात करते देखा। वो दोनों डॉक्टर से कुछ जरूरी बातें कर रहे थे ऐसा मुझे वहाँ पता चला, मैंने वहाँ के कंपाउंडर से उनके बारे में पूछा था। ये जिंदगी का रहस्य है, मैं बहुत सालों से इस हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, अंदर दादाजी है और उसकी बेटी माँ बनने वाली है, इससे तो मर जाएगी। इनके दामाद जी को बहुत जल्दी थी ना, यही बात है। दवा लाने के लिए डॉक्टर ने कंपाउंडर को वहाँ पे बुलाया था,
कंपाउंडर चिट्ठी लेकर बाहर आया तो मैंने उसे रोक लिया। इतने पैसे पर मुझे क्या करना होगा? गर्भ को मजबूत करने के लिए और दवाइयाँ है ना? हाँ है ना। तो तुम इस गोली के बदले वो गोली दे दो। लेकिन ये गलत है। ये गलत नहीं है। ठीक है, दुनिया में लोग पैसे के लिए बहुत कुछ करते हैं। मैं तो सिर्फ गोली बदल दूंगा, आपका काम हो जाएगा। अभी तक अश्विनी छोटी को दे रहा है वो गोली रोकने के लिए नहीं, गर्भ बढ़ाने के लिए है। अभी वो गर्भवती हो गई है, अभी किसी भी तरह से वो छोटी को बचा नहीं सकता। उसके मरते ही अश्विनी तड़प कर मर जाएगा, इल्जाम हमारे ऊपर नहीं आएगा। आपसे उसने 1000 रुपए लेकर दवाई बदल दी, दूसरे से 2000 रुपए लेकर वो सच्चाई नहीं बताएगा, इसकी क्या गारंटी है? वो बताएगा, लेकिन वो अभी बताने के लिए जिंदा नहीं है। जब वो रोड पर चल रहा था तो उसको हमारे ड्राइवर ने गाड़ी से उड़ा दिया। पुलिस की नजर में वो एक एक्सीडेंट है। राजा तुरंत फैसला करता है, लेकिन भगवान सोच समझ कर फैसला करता है। अभी मैं भगवान का रूप बन गया हूँ। अभी सब खुशी में नाचो रे, नाचो रे नाचो, धमाल से नाचो रे, नाचो रे नाचो, अरे नाचो रे नाचो रे, जोर से नाचो, जोर से नाचो। अश्विनी, डॉक्टर ने आपको अंदर बुलाया। अश्विनी मैं भी आती हूँ। नहीं दादी, मैं जाकर आता हूँ। साहब जी, नहीं मैं नहीं, तुम जाओ। आओ अश्विनी। आप पेशेंट के पति हो या यमराज? डॉक्टर। तो क्या, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया था कि वो प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुमने वो दवा नहीं दी। पापा बनने के लिए और सारे गांव में वाह वाह कराने के लिए तुमने उस बेचारी का ये हाल बना दिया, और तुमने वो दवा भी नहीं दी ना। डॉक्टर, आप मुझे गलत समझ रही है, मैं तो रोज दवा देता था। अगर रोज दवा देते थे फिर वो प्रेग्नेंट कैसी हो गई? यही तो दवाई देता था मैं, ठीक से देखिए। नो, मैंने ये दवा नहीं लिख कर दी थी, ये गर्भ को रोकने के लिए नहीं, गर्भ बढ़ाने की दवा है। माय गॉड, डॉक्टर, वो लड़की आज तक यही दवा खाती रही? डॉक्टर, आपने तो लिख कर दी थी ना, मुझे नहीं पता। नो, मैंने ये दवा नहीं लिख कर दी थी। डॉक्टर, आपकी लिखी हुई दवाई मुझे कंपाउंडर ने दी, आप चाहिए तो उससे पूछ लीजिए। वो एक्सीडेंट में मर चुका है, कहीं गलती हुई है। आप क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे गोली के बारे में क्या पता। मैं तो आपके भरोसे पर हूँ, छोटी मालकिन को कुछ नहीं होगा ना। बोलिए डॉक्टर, बोलिए ना। माफ कीजिए मिस्टर अश्विनी, गलती हो गई ये सोचने से अच्छा है आगे क्या करना चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी छोटी मालकिन जिंदा रहनी चाहिए। हमने उसका चेकअप किया है, अब हम उसका एबॉर्शन नहीं कर सकते। नॉर्मल हो तो हम ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन इस गोली के खाने वाले का गर्भ निकाला जाए तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, और ऐसी हालात में ऑपरेशन करना हमारा काम नहीं अश्विनी। डॉक्टर, चाहे जितना पैसा खर्च हो, छोटी मालकिन को बचा लीजिए। अभी पैसे से कुछ भी नहीं मिस्टर, बचपन से ही उसे बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ा है, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो यही जवाब मिलेगा। उसके पास कुछ ही दिन बचे हैं, हम उसे हॉस्पिटल में रखकर तकलीफ नहीं देना चाहते। आप उसे जल्दी से ले जाइए। क्या कहा तुमने? छोड़ दो, क्या छोड़ दो, मुझे मेरी छोटी मालकिन नहीं मरेगी, मेरी छोटी मालकिन नहीं मरेगी, नहीं मरेगी मेरी छोटी मालकिन। जानवरों की तरह व्यवहार मत करो, जब वक्त था तब नहीं संभले, बेवकूफ। मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन आपकी तरह जानवर नहीं हूँ। गोली दूसरी देकर हम बचा नहीं सकते, आराम से कह दिया। आप लोग बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई की हो ना, मेरी छोटी मालकिन मर जाएगी कहते हो, क्या मैं उसको झेल नहीं सकता हूँ? ये लो लिखो, मेरी छोटी मालकिन कब मरेगी, कितने बजे मरेगी, ऐसे मुझे लिख कर दे दो, लिख कर दे दो मुझे डॉक्टर, लिख कर दे दो। उसकी जान जाएगी ये तो तय है अश्विनी, लेकिन कब और कितने बजे ये हम नहीं कह सकते। जानता हूँ, मैं जानता हूँ, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतने डॉक्टर काम करते हैं, इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी नीचे एक मंदिर बनाकर रखा है। मुझे भी आपके पढ़ाई पर भरोसा नहीं है, मैं भी भगवान को मानता हूँ, सबको बचाने वाला ये भगवान मेरी छोटी मालकिन को भी बचाएगा, बचाएगा, जरूर बचाएगा। अश्विनी, डॉक्टर ने क्या कहा? डरने की कोई बात नहीं है, ऐसी ही तबीयत खराब हो गई थी। बाप रे, मैं तो डर गई। मेरा बच्चा तो ठीक है ना? सही सलामत पैदा होगा। चलो चुटकी, तेरी नजर उतारनी होगी, सारे गांव वालों की नजर तुझ पे है, चल। अश्विनी, मेरी बेटी को जिंदा रहने के लिए कितना वक्त बताया? 1 महीना, 2 महीना, क्या बताया डॉक्टर ने, बताओ मुझे। दुनिया में सबको आंख, कान, हाथ सब 2 है, लेकिन जान 1 है, लेकिन छोटी मालकिन की 2 जान है, 1 उनकी और 1 मेरी। मैं उनको कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे इस वक्त यहाँ लेकर क्यों आए हो? देवी जी, तुम कौन हो मैं जानता हूँ, मैं कौन हो आप जानती हो। मेरे पैसों के बारे में तुम कुछ भी मत पूछना, तुम्हारे पैसों के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा,
सिर्फ पैसा लूटने के लिए तुमने पार्टी ज्वाइन की ना? मुझे पता है 10-15 लाख तो तुम पहले ही झटक चुकी हो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। अरे अरे, वो तो सेवा का दिया हुआ गिफ्ट है। अगर मैंने वो पैसे ले लिए तो पुलिस हमें पकड़ कर ले जाएगी। पुलिस? मैं कौन हूँ? सेक्रेटरी हूँ, मेरे पीछे पुलिस आएगी? सुनो, पैसा का बैग तैयार है, उसे उठा और भाग ले। आप मुझे 25% दो तो सब कुछ छोड़कर आपके साथ आऊंगी। अब बस भी करो, पैसे का बैग तैयार है, उठा के भाग जाओ। बेटा कन्हैया लाल, तुमने मुझे कुत्ता कहा था ना? अब देखो ये कुत्ता पार्टी को कैसे काटता है। अरे अरे, सब लोग नजदीक मत आओ। नेताजी, वो ट्रेजरर गायब हो गई है, जाते जाते सारे पैसे ले गई है, पूरी तिजोरी खाली हो गई, 10 रुपए भी नहीं बचे। मुझे पता था ऐसे ही होगा, सब तुम्हारी गलती है। ए, तू नहीं तो उसे ट्रेजर बनाने के लिए कहा। हाँ, मैंने ट्रेजर बताने के लिए बोला था, औरत को नहीं। मैं ईमानदारी से काम कर रहा था, मेरी जगह उसे दे दी, अंजाम देख लिया। साहब जी, वो एक 420 है, बहुत जगह से पैसा लूट कर भाग गई है। चलो पुलिस में कम्प्लेंट करते हैं। तो पार्टी की बदनामी होगी और हमारी भी, और इस सब की वजह है ये आदमी। क्या कहा तूने? पब्लिक के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने तुमने मुझ पर हाथ उठाया, लड़की के लिए? ए, ये हाथ नहीं उठाता तो तुझे मारता कैसे? बहुत हो गया, अब मैं पार्टी तोड़ देता हूँ। तोड़ देगा? ये क्या कोई नारियल है? फालतू बकवास मत कर, तोड़ दिया तो तोड़ दिया। ए, जमीन बेचकर पार्टी शुरू की थी मैंने, लेकिन इसके पीछे मेरा दिमाग था। कार्यकर्ताओं से पूछ लो, आपके तरफ कितने लोग हैं और मेरे तरफ कितने लोग हैं, देखेंगे। ए, नेताजी के सपोर्ट में कितने लोग हैं, हाथ उठाओ। ए, सिर्फ 5 लोग, बाकी लोगों के हाथों को क्या बस हुआ? इतने ही है, हाथ नीचे करो। मेरे सपोर्ट में कितने लोग हैं? हम सब सेक्रेटरी के साथ हैं, हम सब सेक्रेटरी के साथ हैं। देखा ना, आपके साथ सिर्फ 5 लोग हैं और मेरे साथ बाकी सब। तो अब सुनो, आपके पार्टी का नाम PNP है और मेरे NTPNP, APNP। खन्ना। अश्विनी, तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। देखो बेटा, पहली बार जब मैंने उसकी नस पकड़ कर देखी तो ठीक ठाक चल रही थी, मुझे बहुत आनंद हुआ। लेकिन अब पकड़ कर देखी तो धीरे धीरे चल रही है बेटा, मुझे लगता है उसे कोई बीमारी है। साधारण तरीके से बच्चा होना मुश्किल है। मैं अनपढ़ गवार हूँ, मानती हूँ, मुझे गलत मत समझो, मेरी बात मानो, उसे शहर के बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। आप यहाँ पर ये बात बोल रही है, वहाँ डॉक्टर भी यही बोल रहे थे, छोटी मालकिन का बचना बहुत मुश्किल है। अश्विनी बेटा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते, अच्छे और सच्चे इंसान का भगवान बुरा नहीं करता। सोलापुर में एक वैद्य है बेटा, डॉक्टर के हाथ से जो केस निकल जाती है ऐसी औरतों को उसने ठीक किया है बेटा। छोटी मालकिन को तुम वहाँ ले जाओ, वहाँ ठीक हो जाएगी। जरूर ले जाऊंगा, लेकिन ये बात मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आह, दर्द हो रहा है बेटी? हाँ। डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा बेटी। सब जी, छोटी मालकिन अब कैसी है? जब से बच्ची पैदा हुई तब से अब तक की सारी बातें तुमने कही, उसको देखते हुए इसमें बच्चा पैदा करने की ताकत नहीं है, उसकी उम्र भी छोटी होने के वजह से बिल्कुल संभव नहीं है। गर्भ भी उसका इतना कमजोर हो गया है कि जरा से भी वहां पे छूने से उसको बहुत दर्द होता है, 10% ही बचने की संभावना है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है बेटा। साहब जी, आप कैसे भी करके उसको बचा लीजिए, मैं आपके भरोसे ही यहाँ आया हूँ। अभी जो दवाई मैं उसे दे रहा हूँ, ये दवाई तेरी औरत के लिए 7 महीने तक के लिए है। अगर वो 7 महीने पार कर गई तो मैं तुम्हारी औरत और बच्चे को बचा सकता हूँ, आखिर मेरी छोटी मालकिन है। मेरी जान मेरी छोटी मालकिन है, आप कुछ भी करने के लिए कहिए मैं करूँगा। जो मैं दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ दे रहा हूँ, वो दवाइयाँ इसे सूरज उगने से पहले देना बहुत जरूरी है। कोशिश करो उसे ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़े। बस इतना याद रखना, अब वो तुम्हारी बीवी नहीं, तुम्हारी बेटी है। बच्चे को जैसे माँ देखभाल करती है वैसा ही करना। कभी भी कहीं भी उसे अपने बीमारी के बारे में अगर मालूम ना पड़े तो तुम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। मेरी भी दवाई तब काम करेगी बेटा अश्विनी, जब तुम उसके लिए पति और पिता दोनों का फर्ज पूरा कर दोगे। मुझे तुम पे बहुत भरोसा है बेटा। वो लोग झंडा फहराएंगे, फहराने दो, कैसे फहराते मैं भी देखता हूँ। सुनो, APNP ही सही पार्टी है, विपक्ष के नेता खुद ही एक स्वार्थी आदमी है, उनके पास झंडा लहराने के लिए भी आदमी नहीं है। आज हमारी पार्टी ही झंडा लहराएगी। तालियां, तालियां, तालियां। उसे झंडा फहराना नहीं आता और इसलिए पार्टी के वरिष्ठ लोग आगे आए और झंडा लहराए। क्या है, पार्टी के नाम पर जनता से पैसा वसूलते हो? तो फिर
पार्टी शुरू करके क्या जनता को चंदा देंगे? इतना बड़ा गमछा किससे पूछ के पहने हो? जो लोग पहने उनसे पूछो किससे पूछ कर पहने। आपको पार्टी शुरू करने के लिए जनता ने चिट्ठी लिखी थी क्या? इससे पहले पार्टी शुरू करने वाले क्या जनता से पूछ के किए थे? पार्टी शुरू किया फिर दो टुकड़े क्यों किया? पार्टी है तो टुकड़ा होना ही है। इससे पहले कितनी पार्टी के टुकड़े हुए हैं? पार्टी तो आसमान तक पहुंच चुकी है। कैसे पुलिस हो तुम? ए, चल जेल चल, फिर तुझे पता चलेगा पुलिस क्या होती है। मैं जेल क्या, कहीं भी जाने को तैयार हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। मैं जेल से आने के बाद तुम सब मेरे घर के बाहर खड़े होकर सिक्योरिटी की नौकरी करते हुए मुझे सलाम ठोकोगे, ये बात याद रखना। जाने दो ना नेताजी, आप इन लोगों के मुंह मत लगिए, हम फिर से एक साथ काम करेंगे। अभी भी हम दोनों मिलकर ही जेल जा रहे बेटे। जिंदाबाद जिंदाबाद। देख लिया, हमने बोलने के लिए तो नहीं कहा, तुम लोगों को जिंदाबाद बोलने की आदत पड़ गई है। छोटे साहब सुन रहे हो ना, अश्विनी और उसकी औरत सुखी से जीना नहीं चाहिए, मेरी चाहत है। अरे तुम कुछ भी मत करो, छोटी खुद ब खुद मर जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? यही सही है साहब जी, आप हाथ में लड्डू लेकर भी खाना नहीं जानते हो। क्या कह रहे हो? छोटी खुद मर जाएगी, पता चले तो वो तड़पेगी। ये बात अश्विनी को पता चले तो खून के आंसू बहाएगा वो। ये खुशी का नजारा देखे तो हम खुशी से आंसू बहाएंगे। अरे तू सही कह रहा है डैड, मामा जो बोल रहा है सही बोल रहा है। उस छोटी को तड़पते हुए देखकर ये अश्विनी भी तड़प तड़प कर अपनी जान दे देगा। और इस खुशी की बात को बैंड बाजे के साथ जाकर बता देंगे। आप लोग यहाँ इतनी खुशी क्यों मना रहे हैं? पापा ये सब क्या है, आप इन लोगों का साथ दे रहे हैं? ये क्या लफड़ा कर रहे हैं आप? क्या लफड़ा कर रहा हूँ? शादी करूंगी बोलकर अश्विनी के पीछे पड़ी थी ना। ए इज्जत से यहाँ से चले जाओ। ये दादी तुम चुप हो जाओ। ये अश्विनी तू छोटी मालकिन के सामने कसम खा कि तूने मेरी बेटी से प्यार नहीं किया, शादी करने का वादा नहीं किया, खा तभी मैं मान लूंगा। कसम खाने में क्या तकलीफ है तुझे, बोल। मैंने आपकी बेटी से प्यार किया था, वो सच है। हाँ? क्यों आप लोग इससे घबरा गए? और मेरी बात सुनकर फिर क्या होगा? ए वो सारी प्लेट्स नीचे रख दो। ये नहीं जानते? आपको समझ में नहीं आ रहा है? बाहर अर्थी रखी है और मरने के बाद का सामान लेकर आया हूँ, क्योंकि इस घर में कोई जल्दी मरने वाला है। ए, ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे क्या अश्विनी, मैं तुमसे सही में बात कर रहा हूँ और तुम मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो। हटाओ, हटा दो। मैंने हाथ उठाया तो बेइज्जती होगी ना। देखो तुमने लड़की को धोखा दे करके बेवकूफ बना दिया ना भाई, अब तुम अपनी औरत और दादी को भी बेवकूफ बना रहे हो। तेरी औरत मर जाएगी तुम दोनों को पता है, लेकिन इन दोनों को पता नहीं है ना। क्यों भाई ये गलत नहीं है तो क्या है? मारो माजी मारो, और मारो, तुम उम्र में बड़ी हो, मैंने तो कोई गलत बात की नहीं है। ये सब हमें कैसे पता चला, यही सोच रहे हो ना? हाँ। सच्चाई को ज्यादा दिन तक छुपा नहीं सकते हो। अश्विनी ये कुछ बोल रहा है, ये सब कुछ झूठ है, बोलना बोलना। अरे तू बोलना बोलना। ये लोग जो बोल रहे हैं वो सच है। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन। अभी हम लोगों का काम हो गया, हमें चलना चाहिए। हाँ भाई हमारा काम खत्म हो गया, इनको आपस में बात करने दो भाई। चलो 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 यहाँ से। मेरी पोती को क्या हुआ है, बोल मेरी पोती को क्या हुआ है? इस बात को पहले मुझे क्यों नहीं बताया था? पहले बता दिया होता तो इस घर में मौत आती थी, तुम और मेरी बेटी आज यहाँ नहीं होते थे। बाप रे बाप, इतनी बड़ी बातें सुनकर भी मैं जिंदा हूँ। भाभी लोग तुम दोनों ने मिलकर सच को छुपा लिया, मेरी पोती के मौत का कारण मैं खुद ही हो गई। मैं अपनी पोती को खुद ही मार रही हूँ। अब मुझे जिंदा तुम सब लोगों ने मिलकर मुझसे सच छुपाया, क्या मैं सच में मर जाऊंगी? तुम नहीं मरोगी, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा कि मैं मर जाऊंगी, डॉक्टर ने कह दिया ना। डॉक्टर कहे तो भी, दुनिया कहे तो भी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये अश्विनी कह रहा है तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें बच्चा पैदा होगा छोटी बालकिन, तुम हमेशा खुश रहोगी, तुम
हमेशा हंसती रहोगी। दादी माँ, दादी माँ, इसे कुछ नहीं होगा। दादी माँ रो मत, आप रो मत, दादी माँ आप रो मत। तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। छोटी बालकी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। छोटी बालकी, छोटी बालकी, छोटी हम लोग वैद्य के पास जाएंगे छोटे मालकिन। चलिए चलिए छोटे मालकिन। क्या बात है छोटे मालकिन, मैं आपको अश्विनी कहकर बुला सकती हूँ? बिल्कुल बुला सकती हूँ, मैं हमेशा आपके लिए अश्विनी हूँ छोटे मालकिन। अश्विनी, तुमने बचपन से मेरी हर इच्छा को पूरा किया है, आज तुम्हें मेरी एक आखिरी इच्छा को पूरी करना होगा। छोटी मालकिन, मैं वादा करता हूँ बच्चा पैदा होने के बाद मैं आपकी हर इच्छा को पूरी करूंगा। छोटी मालकिन, अभी आप वैद्य के पास चलिए। छोटी मालकिन, अगर मैं मर गई तो? आप नहीं मरोगे छोटी मालकिन, आप नहीं मरोगे, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। अश्विनी, छोटी मालकिन, तुम मेरी इच्छा को पूरी करोगे तो ही मैं जाऊंगी। जरूर पूरा करूंगा छोटी मालकिन, जरूर पूरा करूंगा। अश्विनी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन मेरी वजह से रसिका के साथ धोखा हो गया। मेरे अश्विनी से किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। आप रसिका के साथ शादी कर लो, यही मेरी आखिरी इच्छा है। छोटी मालकिन, मैंने रसिका से प्यार किया था, यह बात सच है, लेकिन जिस दिन मैंने तुमसे शादी करके तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाया, उस दिन से मैं रसिका को भूल चुका था। तुम्हारे अलावा किसी भी लड़की को मैंने अपने दिल में जगह नहीं दी। अश्विनी, तुमने वादा किया है तुम उससे शादी करोगे, उसे मंगलसूत्र पहनाओ, तभी मैं जाऊंगी, नहीं तो यही मर जाऊंगी। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, अश्विनी तू रसिका से प्यार करता था ये मुझे पता नहीं था, वरना मैं अपनी पोती से जबरदस्ती शादी कभी नहीं करवाती। मुझसे गलती हो गई, इतने दिनों तक यमराज से छुटकी को बचाया था, आज खुद अपने हाथों से मत मार। कोई भी लड़की मंगलसूत्र बांटने को तैयार नहीं होती है, तू रसिका को मंगलसूत्र बांध दे बेटा। अश्विनी, डॉक्टर ने कहा था ये पहले ही मरने वाली है, लेकिन ये अभी तक जिंदा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम छोटी मालकिन को जिंदा देखना चाहते हो तो रसिका के साथ शादी कर लो। हाँ बोल दे अश्विनी, बोल दे। मैं तुम्हारे लिए रसिका से शादी करूंगा छोटी मालकिन, रसिका से शादी करूंगा। छोटी मालकिन, जब अश्विनी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गए तो ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। आपकी शादी तो मंदिर में किसी की जानकारी के बगैर हुई थी, लेकिन मेरी शादी ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर शादी करवानी है तो मंडप डालकर, बैंड बाजा बजाकर, आप खुद उस शादी में शामिल होकर अश्विनी के हाथों मंगलसूत्र पहनाए। अश्विनी, पहले इन्हें वैद्य जी के पास ले जाओ, बच्चे को पैदा होने दो, बच्चा आएगा तो घर में खुशी आएंगी, उसके बाद हम शादी करेंगे। अगर मैं वापस आऊंगी तो तुम्हारी शादी घर आऊंगी, अगर नहीं आऊंगी तो तुम उसकी इच्छा से उससे शादी करोगे। छोटी मालकिन, वादा करो मुझसे कि तुम मुझसे शादी करोगे, वादा करो। अश्विनी, वादा करो। वादा करता हूँ छोटी मालकिन, चलो वैद्य के पास चलते हैं। चलो छोटी मालकिन, चलो चलो। बहुत इंतजार करवाया, सर झुकाकर नमस्कार करता, क्योंकि पहले से तुम्हारी औरत मरकर मिट्टी में जाने वाली है, उसे तड़प कर जिंदा रखा इसलिए कि अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो उसको बचाने जाएगा ना तू? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी जान। देखो, तुम्हारा मेरा झगड़ा कितना भी पुराना हो,
ये फैसला करने का वक्त नहीं है। छोटी मालकिन की जिंदगी खतरे में है। मेहरबानी करके मुझे ऐसे जाने दीजिए। नहीं होगा अश्विनी। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे जाने दीजिए। चिल्ला चिल्ला करो, तड़प 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 के गिड़गिड़ा मेरे बेटे के चेहरे को। जब भी मैं देखता हूँ तो कितना तड़पता हूँ, उसी वक्त तुझे खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाया मैं। तेरी औरत मरेगी तो तू भी तड़प तड़प कर मरेगा, सोचकर कंपाउंडर से गोली बदलवाया था मैंने, उसमें भी वो बच गई। अभी तू जिंदा रहेगा या मैं जिंदा रहूंगा। ए, मारो उसको। Ha ha ha!
अश्विनी मेरी पोती कहाँ है मेरी पोती? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी मेरी पोती कैसी है? मेरी छोटी मालकिन कैसी है? मुझे माफ करो बेटा, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की लेकिन नाड़ी कम चल रही है, धीरे धीरे बहुत ही कम होती जा रही है। छोटे मालकिन का जिंदा रहना मुश्किल है। अभी थोड़ी देर में छोटे मालकिन मुझे देखो, छोटे मालकिन आंखें खोलकर मुझे देखो, छोटे मालकिन देखो, तुम्हारा अश्विनी आया है। छोटे मालकिन मुझे देखो ना, छोटे मालकिन आंखें तो खोलो, छोटे मालकिन मेरी तरफ देखो, छोटे मालकिन छोटे मालकिन आंखें खोलो, छोटे मालकिन आंखें खोलो, छोटे मालकिन मुझे देखो ना, छोटे मालकिन वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं, तुम नहीं मर सकते वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं, छोटे मालकिन वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं, ये वैद्य में झूठ बोल रहे हैं, छोटे मालकिन तुम नहीं मर सकते छोटे मालकिन तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, छोटे मालकिन तुम्हारा दर्द मैं समझता हूँ बेटा, छोटे मालकिन हम कुछ भी करें तो भी छोटी मालकिन को हम नहीं बचा सकते, हम कुछ और सोचते हैं, भगवान कुछ और ही सोचता है। कहाँ है भगवान अश्विनी कहाँ जा रहे हो बेटा? रुक जा अश्विनी, जा बेटा, अभी तुझे एक जान की जरूरत है ना, मेरी जान ले ले, लेकिन छोटी मालकिन और बच्चे की जान बचा ले, और अगर तू उसे नहीं बचा सकता तो भगवान नहीं है, तो मेरी जान ले ले। अश्विनी, वो हमें छोड़कर जा रही है, तुम ऐसे मत करो, सब लोग जाओ यार, जाओ तुम लोग। चमत्कार है, मैं जानता था कि तू छोटी मालकिन की और मेरे बच्चे की जान जरूर बचाएगी। छोटी मालकिन अश्विनी बेटा, विश्वास ही जिंदगी है, तुमने साबित कर दिया। मैं बच गई, मुझे बच्चा हो गया, मेरा बच्चा। दादी आपके आशीर्वाद से मुझे लड़का हुआ है, दादी मैं ठीक हो गई, मेरा बच्चा हो गया, मैं ठीक हूँ दादी। अगर तुमने ये फैसला कर लिया है तो कोई भी भगवान सामने आ जाए तो तुम अपना फैसला नहीं बदल सकती हो। बचपन से मैंने तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं की, लेकिन आज तुम्हारी इच्छा को पूरी करता हूँ मैं आज से इस माता जी के चरणों में तुम्हें सौंप रहा हूँ। आज से मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। परिपूर्ण तदस्तु मे इति समर्पयामि।
रसिका, ये क्या किया तुमने? मैंने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं माँ जी, दूसरों के लिए मेरा ये फैसला पागलपन हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यही मेरी जिंदगी है। तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं कैसे बदल गई? छोटी मालकिन की बदौलत। वो तो मेरा बचपना था कि मैं तुमसे शादी करने के लिए अड़ गई थी। सच कहूँ तो मैं वाकई में तुमसे प्यार करती थी और तुम भी तो मुझसे प्यार करते थे, लेकिन मैं अपने प्यार को किसी दूसरे के लिए क्यों त्यागूं यही सोचती थी। लेकिन छोटी मालकिन को जब ये पता चला कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तो वो त्याग करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई। तुम्हें मुझे मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहा। इतना बड़ा त्याग मुझ में कहा? अपने पति को भला कौन औरत बांट सकती है? इतना बड़ा त्याग करने की हिम्मत तो सिर्फ छोटी मालकिन ही कर सकती है। और तभी मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। छोटी मालकिन तो हम दोनों के प्यार के बारे में सब कुछ जानती थी। बड़े दिल वाली छोटी मालकिन अपने बच्चे को लेकर गांव से जा रही थी। तभी मैंने फैसला किया कि मैं खुद को भगवान के सामने समर्पित कर दूं। उस दिन आपकी लड़की की शादी ना हो इसलिए मैंने आपसे झूठ कहा था, और आज आपकी लड़की की खुशहाल जिंदगी के लिए मैंने ये फैसला किया है। आज के बाद तुम लोगों की जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी, मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। आप लोगों को खुशहाल जिंदगी जीते देखकर मैं सारी जिंदगी संतोष से जीती रहूंगी। इसी मंदिर में जिंदगी बिता दूंगी। रसिका।